हेलो एवरीवन, तो शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। फेवरेट टॉपिक है जेईई मेंस और एडवांस का, काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं हर साल, तो बच्चों को थोड़ा अच्छे समझ में आता है, पर इसमें प्रैक्टिस जरूरी है, सिंटैक्स का अंदाज़ा जरूरी है, तो वही सब देखने वाले आगे आने वाले लेक्चर्स में। तो लेक्चर वक्त की शुरुआत करते हैं डिटर्मिनेंट से। एनसीईआरटी में जनरली मैट्रिक्स पहले डिफाइन किया होता है, आगे डिटर्मिनेंट बताते हैं आप। पर डिटर्मिनेंट क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहले देख चुके होते हैं इलेवेंथ के कोर्स में भी, जैसे कि वेक्टर्स का क्रॉस करना सिखाते हैं टीचर्स, तो मैं वापस उसी को एक बार करके दिखाता हूँ और फिर अपने डिटरमिनेंट डेफिनेशन की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। मान ले दो वेक्टर ऐसे लिखे हुए, ये ए वेक्टर करके कॉम्पोनेंट्स 2i कैप 3j कैप माइनस प्लस 4k कैप एंड माइनस i कैप 2j कैप 5k कैप। क्रॉस कैसे करते थे आप इसका, प्लस माइनस प्लस ऐसे लिख लेते थे, और जब आई कैप के लिखने की बात आती थी तो हम क्या करते थे, इसका रो और इसका कॉलम ड्रॉप कर देते थे और बचे हुए में क्या करते थे, इस तरह से क्रॉस, ठीक है ना। जिन्होंने किया हुआ है तो ध्यान आ रहा होगा कैसे करना है। 15 माइनस 8, नहीं बाकी जनता धीरे धीरे सीखी जाएगी, बताऊंगा बेसिक से। जब जे पे आओगे तो इसकी रो और कॉलम छोड़ दोगे, तो 2 5 10 माइनस 1 × 4 और ये माइनस करोगे तो वापस प्लस हो जाएगा, प्लस के कैप इंटू 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 3। तो ये क्रॉस होके निकल आता था हमारा 7i कैप माइनस 14j कैप प्लस 7k कैप। चाहो तो 7 कॉमन निकाल के लिख सकते हो यहाँ से, 2j कैप के कैप, ठीक है। वेक्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो भी इसके बाद पढ़ने वाला है। थोड़ा सा डिटरमिनेंट जो आपने ऑलरेडी देखा उसकी बात करता हूँ। एक आपने ये भी देखा होगा, थोड़ा सा और रिवाइज करें कि दो लीनियर इक्वेशंस का सोल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते थे आप। अब कोई बोले कोविड टाइम में थे हम तो हटा गया था सिलेबस से ब्ला ब्ला ब्ला, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से लिखा जाता था x = -y = 1, ओके, और अपॉन में क्या लिखते थे, जब x के लिखने की बारी आएगी तो आप इसको ढक लोगे और इन कोफिशेंट में बचे हुए में क्या करोगे, ऐसे क्रॉस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो क्या हो गया b1c2 - b2c1, एंड y के नीचे लिखने की बात आएगी तो y वाला ढक लोगे क्या बन जाएगा a1c2 a2c1, और 1 के नीचे आएगी बात तो क्या लिखते थे अपन, a1c2 - a2c1। इसको इससे इक्वेट करो y के x की वैल्यू, इसको इससे इक्वेट करो तो y की वैल्यू, तो सोल्व करके निकाल लेते थे। सो बेसिकली जो मैंने लिखी है ना वैल्यू, आप जो ये कर रहे हो बार बार, यही मेरा क्या कहलाता है, 2 × 2 का डिटरमिनेंट। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं b1 b2 c1 c2, तो खोल के आप क्या लिखते हैं इसको, इस तरह से b1 c2 - b2 c1, ओके। सिमिलरली इसको भी इसी तरह से लिख सकते हो डबल बना के, a1 a2 c1 c2, ओके। कॉन्स्टेंट के नीचे सी वाला क्वांटिटी रखेंगे तो अपन a1 b2 और a2 b1, ओके। तो इस तरह से घुमा के लिखोगे तो ये भी इसी तरह से बन जाएगा। तो राधा ने ये वैल्यू लिखने के लिए मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और कहा देखा आपने ट्रायंगल के एरिया भी देखा हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस तरह से लिखता आप। तो ऑल द एप्लीकेशंस मैं डिस्कस करूंगा लास्ट आर्टिकल में इसी लेक्चर के, थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर रहा हूं कि डिटरमिनेंट बेसिकली क्या है, किसी रियल एक्सप्रेशन का एलिगेंट रिप्रेजेंटेशन ही है। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, देखो इसको याद करना कितना आसान है, पर इसको खोल के जो कंडीशन आती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में काम आता है, a b c + 2 f g h - a f² - b g² - c h². अब ये याद करना ज़्यादा ईजी है कि ये याद करना ज़्यादा ईजी है, तो डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन की सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रही होगी। तो फटाफट बढ़ते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ। वैसे तो रो बाई कॉलम में आपने जो एलिमेंट्स हटा के लिखे हुए हैं यही अपने क्या है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, रो बाई कॉलम वाले अरेंजमेंट को।
और उसका डिस्कशन मैं करूंगा। अभी मान लो कि अपने पास इस तरह से ये 3x3 थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। थ्री ऑर्डर कहने से तात्पर्य है थ्री रोज एंड थ्री कॉलम, हमेशा स्क्वायर फॉर्म में दिखेगा आपको डिटरमिनेंट, A31, A32, A33, ओके। सबसे पहले अपन डिफाइन कर रहे हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर बेसिकली क्या है, जो भी अपन ने छोटा डिटरमिनेंट बनाया था 2x2 का, वही माइनर। तो इस एलिमेंट का अगर माइनर लिख रहे हो आप, ठीक है, तो इसकी पूरी रो और पूरा कॉलम ड्रॉप कर दोगे, बची हुई चीज का जो डिटरमिनेंट होगा दैट विल बी माइनर। अगर इसको मैं M11 से रिप्रेजेंट करूं तो ये क्या खुलेगा अपने पास, A23, A22, A23, A32, A33, ओके। मैं आपको बोलूं कि माइनर लिखना है मतलब किसका, A22 का, तो इसकी रो छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया, तो बची हुई चीज़ क्या बचेगी, M22 से लिख दूँ इसको A11, A13, A31, A33, ओके। सेम जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक्सपेंड करके लिख रहा था, उस तरह से लिख सकते हो आप, कोई समस्या? तो इस तरह से बाकी का भी लिख सकते हैं। अगर इसका लिखना है तो इसकी रो और कॉलम ड्रॉप कर दोगे, बचेगा क्या, A11, A12, A31, A32, इस तरह से लिख सकते हो। और कोफैक्टर क्या चीज़ है, कोफैक्टर कुछ नहीं है, इसको CIE से अगर मैं लिखूँ दैट इज सिंपली -1i+j MIJ, ठीक है। बाई प्लस जे देखो यहाँ पे इवन है, फिर ऑड हो जाएगा, फिर इवन हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस दिख रहे होंगे आपको, इवन ऑड इवन। इसलिए अपन क्या करते हैं, जब भी कोफैक्टर निकालते हैं तो पहले से अपनी तरफ से क्या लगा लेते हैं, प्लस माइनस लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्विकली कोफैक्टर लिखते हैं और वहीं से ही डिटरमिनेंट की डेफिनेशन और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मान लो एक दिया हुआ मैंने आपको 2, 3, 4, 5, 1, 7, 6, 2, 3, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बना के दे दी मैंने आपको, आपको कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स बनानी है, ओके। मतलब क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर की पोजीशन वहीं पर रख दोगे, तो टू का कोफैक्टर क्या नजर आएगा, सबसे पहले तो मैं साइन लगा देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये प्रोसेस देखते जाओ अपन क्या कर रहे हैं, उसी से ही अपना आपको चीज़ अपीयर होंगी। टू का कोफैक्टर क्या हो गया, 1 × 3 -2 × 7, सो 3 − 14 इज -11, ओके। 3 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 3 = 15 -6 × 7 = 42, सो 15 − 42 कितना हो गया, 27। माइनस का आगे क्या लगाना है, आपको माइनस मतलब साइन चेंज कर देना है, 27 हो जाएगा, ओके। 4 का लिखने जाओगे तो 10 − 6 = 4। 5 का लिखा, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 3। अभी ध्यान रखना है जो माइनस लगाए सिर्फ कोफैक्टर के टाइम पे किया मैंने इसका इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि तुमने 3 को -3 कर दिया, वैल्यू नहीं बदल रहा। 5 का कोफैक्टर कितना, 3 × 3 = 9 −4 × 2 = 8, 9 − 8 = 1, और आगे माइनस लगाओ तो साइन चेंज करना है। 1 का 6 − 24 − 18, ठीक है, प्लस है तो साइन वैसा ही रहेगा। 7 का 2 × 2 = 4 − 18 −14 + 14, 6 का 21 − 4 दैट इज 17 प्लस का 17 एंड 2 का 2 × 7 = 14 −20 −6 साइन पलटना पड़ेगा प्लस 6, 3 का 2 − 15 −13, ठीक है। तो अलग अलग कलर से लिख दूँ, ये हो गया मेरे पास फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स, ठीक है, ग्रीन से लिख रहा हूँ। सेकंड रो के कोफैक्टर्स एंड ब्लू से लिख देता हूँ थर्ड रो के कोफैक्टर्स, ताकि आपको थोड़ा देखने में अच्छा रहे। अब देखो अगर मैं कोई भी रो के एलिमेंट्स को उनके क्रॉसफॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम करता हूँ तो कैसी वैल्यू आती है, -11 × 2
प्लस 27 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो गया ये, माइनस 22 प्लस 81 प्लस 16, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, 81 माइनस 22 ये हो जाएगा अपने पास 59, ठीक है। माइनस का प्लस का 59 प्लस 16 हो गया ये 75। ओके सेम अगर मैं सेकेंड रो को उनके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस 1 इंटू 5 माइनस 18 इंटू 1 प्लस 14 इंटू 7 दैट इज माइनस 5 माइनस 81 प्लस 98। ओके माइनस 23 प्लस 98 दैट इज अगेन 75। थर्ड रो को उनके कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो जिनको डिटरमिनेंट बिल्कुल नहीं आता वो आराम से इसको देख सकते हैं। एंड अगली क्या आई मेरे पास, माइनस 13 इंटू 3, ठीक है। तो 17 इंटू 6 102, 6 2 जा हो गया मेरे पास 12 और माइनस 39, ठीक है। ये हो गया अपने पास 114, माइनस 39 करोगे तो ये आ गया अगेन 75। ओके तो तुम चाहे किसी भी रो के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, ठीक है। हर बार मेरे वैल्यू सेम आ रही है, और ऐसा सिर्फ रो के अलोंग ही नहीं है, कॉलम के अलोंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करूँ, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, ये फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिल रहा है आपको, माइनस 11 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 17 इंटू 6 कितना हो गया ये, माइनस 22। अब डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में देखो यही है कि कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। ये किया मेरे पास कितना आ गया, ये हो गया 80 माइनस 5 75, सबसे सेम ही आ रहा है। एक चीज आप कंक्लूड कर दो, ये जो वैल्यू है ना इसी को क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू, ठीक है। इसको डेल्टा बोल सकते हो। सो व्हाट वी कैन से, सबसे पहली चीज अपने पास आई डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो। अब ये बात ध्यान रखें, जो भी प्रॉपर्टी में रो के बारे में बोल रहा हूं वो सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी वैलिड है, विद देयर कोरोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, विद देयर कोरोस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ये क्या है अपने डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब इसको तो कहीं से भी खोलो, फर्स्ट कॉलम के एंट्रीज के कोफैक्टर्स, सेकंड कॉलम के एंट्रीज के कोफैक्टर्स, सीधा सीधा कहीं से भी ओपन कर सकते हो। तो इन जनरल अपन क्या करते हैं कि ऐसे नहीं कि को फैक्टरी मैट्रिक्स खोलोगे, फटाफट करते जाओ, टू इंटू रो छोड़ी कॉलम छोड़ा घुमा दिया, थ्री रो छोड़ी कॉलम छोड़ा घुमा दिया, और बस साइन का ध्यान रख, अल्टरनेट प्लस माइनस का, बाकी कहीं से भी खोल सकते हो, सब जगह से वैल्यू सेम ही आनी, ये मैंने जस्ट शो किया आपको। दूसरा एक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने की है कि अगर मान लो मैं एलिमेंट्स उठा रहा हूँ फर्स्ट रो के और को फैक्टर्स ले लूँ किसी और रो के, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ साइड में देखो रेड से करता हूं, क्या बनेगा, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 18 इंटू 3 प्लस 14 इंटू 4 कितना हो गया एक, माइनस 2 माइनस 54 प्लस 56 जीरो हो गया। आप थर्ड रो ले लो और फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स ले, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ले लो, जब रो की बात करो तो रो में ही चलना है, कॉलम की बात करो तो कॉलम में चलेंगे। क्या बनाइए, माइनस 11 इंटू 6 प्लस 27 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया, माइनस 66 प्लस 54 प्लस 12 ये भी जीरो आ गया। कॉलम भी वेरीफाई कर सकते हो, मान लो सेकंड रो के एलिमेंट उठा लिए और को फैक्टर ले लो सेकंड के अलावा कोई और, यहां से ले लो, ये क्या बन रहा है देखो, 4 इंटू 3 प्लस 14 इंटू 1 माइनस 13 इंटू 2 कितना हो गया ये, 12 प्लस 14 माइनस 26 ये भी जीरो आ गया। एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो कॉलम विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स,
दैट विल गिव यू डिटरमिनेंट की वैल्यू. ओके एंड इफ वी डू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम विद कोफैक्टर्स ऑफ ऑफ एनी अदर रो और कॉलम के केस में कॉलम सीधा आंसर क्या आएगा जीरो. ये दो बातें अगर अपने को ध्यान है तो कोई समस्या नहीं है. ओके तो ये बेसिक डेफिनेशन होगी. और भी तरीके से लोग लिखते हैं डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करते हैं सीआरएस मेथड वगैरह, उन सब की चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही डेफिनेशन अपने काम में लेनी है. इन्हीं के अराउंड प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे तो ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधे काम पर फोकस करते हैं. ओके तो डिटरमिनेंट की वैल्यू और डिटरमिनेंट की बेसिक एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई. अब कुछ और प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं जो आपको डिटरमिनेंट को ऑपरेट करने में मदद करेंगी, और ये थोड़ी ट्रिकी होती हैं. इनका प्रूफ भी दे रहा हूँ साथ साथ, प्रूफ के साथ समझोगे तो इनको लगाना आसान होगा. ठीक है और मेन पर्पज़ यही रहता है इन प्रॉपर्टीज का यूज़ करके डिटरमिनेंट में मैक्सिमम जीरो बनाओ ताकि मल्टीप्लाई करने पे मोस्ट ऑफ द एंट्री जीरो हो जाए तो अपने लिए एक्सपेंड करना ईजी हो जाएगा. ठीक है रेडी, चलिए देखते हैं. चलिए प्रॉपर्टीज करते हैं अपन. एक सैम्पल डिटरमिनेंट ले लेता हूँ. अब वैसे देखो डिटरमिनेंट में 3x3 का ले रहा हूँ, कितने के भी हो सकते हैं 4x4, 5x5, सब में प्रोसेस वही है. ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाओ, रो को छोड़ो कॉलम को छोड़ो, बाकी की वैल्यू निकालो. तो जैसे 3x3 की वैल्यू निकल रही है वैसे ही 4x4 की भी निकलेगी. ओके पर हमारी प्रैक्टिस में मोस्टली आपको 3x3 चलता है तो उसी को ही बेस बना के चल रहे आगे डिटरमिनेंट के केस में जहाँ तक बात है. सो अब देखो इसको तुमने एक्सपेंड करना सीख लिया. तो एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की थी कि आपने चाहे इसको रो के लोग एक्सपेंड किया चाहे कॉलम के लोग एक्सपेंड किया, वैल्यू सेम ही मिल रही थी. तो इससे एक बात कंक्लूड की जा सकती है, अगर रोज और कॉलम को आपस में एक्सचेंज कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे नो चेंज, जैसा है वैसा ही रहेगा. कहने का मतलब अगर इस चीज़ को आप डेल्टा बोल रहे हो तो इस चीज़ की वैल्यू भी क्या आएगी, अपनी डेल्टा ही आएगी. क्या किया मैंने, ऑब्जर्व करो, रोज को कॉलम से बदल दिया, फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आप मान लो पहले रो के लोग एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल रहे थे, अब वही वैल्यू अब मैं कॉलम के लोग एक्सपेंड करके निकाल दूंगा तो वैल्यू वैसी रहेगी. और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज करना बोलते हैं. ठीक है ना, इस अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को अगर मैं बोलते हैं अपन मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की जब चर्चा करेंगे तो डिटेल में प्रॉपर्टीज की बात करूंगा. अगर इसको अपन बोलते हैं कैपिटल ए, तो ये जो तुमने एक्सचेंज करके बनाई है ना इसको बोलते हैं हम ए ट्रांसपोज. तो कहने का मतलब ये ए का डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ये दोनों सेम क्वांटिटी आएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज, ठीक है ये बात पे आप गौर कर सकते हो. जब भी मैं दो रो की बात करता हूँ तो वही सेम प्रॉपर्टी कॉलम के लिए भी वैलिड है. एनी टू रोज और कॉलम्स आर एक्सचेंज्ड, उस स्थिति में आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टाइम्स. अब लॉजिक बिल्कुल सिंपल है भाई, जब मान लो ए इंटू आप क्या कर रहे हो, ई इंटू वाई माइनस एच इंटू एफ, और इनको अगर मैं आपस में एक्सचेंज कर दूं ऊपर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एच इंटू एफ माइनस ई इंटू वाई, देख लो ऊपर ही आ जाएगा इस तरह से, तो एच इंटू एफ माइनस ई इंटू वाई. और अभी क्या रहा था, ई आई माइनस एच एफ, इसमें क्या रहा है, एच एफ माइनस ई आई, माइनस कॉमन आ गए ना सारे कोफैक्टर्स में से. सेम स्थिति इन दोनों के साथ भी होगी, यहाँ पे भी होगी, सेम इन दोनों वाले पेयर में भी होगी सारे कोफैक्टर्स में. तो ये बात ऑब्वियस दिखाई दे रही है, कोई भी दो रो या कॉलम का एक्सचेंज करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस. ओके अब मान लो मैं इसी डिटरमिनेंट को फर्स्ट रो के लोग एक्सपेंड कर दूँ तो डेल्टा आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए टाइम्स ई आई माइनस एच एफ, ओके प्लस बी टाइम्स, और ये माइनस के साथ ओपन करना होता तो मैं पहले ही साइन लगा देता हूँ, ओके माइनस
वी टाइम्स डी आई माइनस जी एफ प्लस सी टाइम्स डी एच माइनस जी ई। ठीक है, अब मान लो अगर अपन क्या करें, ये डिटर्मिनेंट को दूसरा डिटर्मिनेंट बनाएं जिसमें क्या किया हुआ है आपने ए अल्फा 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 ए अल्फा बी अल्फा सी, मतलब क्या हुआ यहाँ पे सब में अल्फा अल्फा पड़ा हुआ है एक रो के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात जब एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे भी अल्फा दिखेगा आपको, यहाँ पे भी अल्फा दिखेगा, अल्फा दिखेगा, तो अल्फा कॉमन खींच लोगे वापस पुरानी वाली वैल्यू बन जाएगी। इसका मतलब ऐसी स्थिति में क्या हुआ आपका अल्फा टाइम्स डेल्टा हो गया। मतलब क्या है, अगर सेम एंट्री आप मल्टीप्लिकेशन में दिख रही है तीन क्वांटिटीज में किसी भी रो के अंदर, या सेम क्वांटिटी सेम बात कॉलम के अंदर, तो आप उसको कॉमन खींच सकते हो। ठीक है, और यही चीज अगर मान लो यहाँ पे मान लो मैं बीटा बीटा डाल देता तो क्या होता, तो बेसिकली आपके पास ई के साथ बीटा चिपका हुआ है, एफ के साथ बीटा चिपका हुआ है, तो यहाँ पे भी बीटा यहाँ पे भी बीटा, डी के साथ बीटा चिपका हुआ है और एफ के साथ बीटा चिपका हुआ है, डी के साथ भी बीटा है और ई के साथ भी बीटा, तो सब में से बीटा भी कॉमन आ गया। देख रहे, इस तरह से इसमें से भी निकाल सकते हो। तो ये बात अपन समझ गए कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लीकेशन चल रही है तो अपन उसको बाहर खींच सकते हैं। और इसका रिवर्स बोलूँ तो मल्टीप्लाई करना हो, अगर मान लो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो डेल्टा को, तो किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो में उसको डाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा फोकस बना के रखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज जल्दी समझ में आएंगी, और इसको हम थ्री क्लोज थ्री डिटरमिनेंट में वेरीफाई भी कर रहे हैं साथ साथ। तो इस तरह से इसमें किया जा सकता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, तो ये कॉमन खींचने वाली प्रॉपर्टी पता लग गई अपने को। साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँ आपको कि मान लो कोई भी दो आइडेंटिकल हो जाए, कोई भी दो आइडेंटिकल हो जाए, क्योंकि ऊपर पहली दोनों होते तो अपने एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी दो हो रही है डी ई एफ। अब सोचो मैं अगर थर्ड रो के लाऊँ इसको एक्सपेंड करूँगा तो मेरा कोफैक्टर क्या निकलेगा, ए बी माइनस ए बी जीरो, बी सी माइनस बी सी इक्वल टू जीरो, ए सी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो। तो इस पर्टिकुलर रो के सारे को फैक्टर जीरो हो गए, डेफिनेटली तुम सीधे सीधे क्या बोल सकते हो कि मेरे डेल्टा की वैल्यू जीरो आएगी। तो यहाँ से कंक्लूड करा जा सकता है कि एनी टू रोज, अगेन जो चीज़ रो पे है वो कॉलम पे भी वैलिड है, एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो सीधे सीधे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ओके, ये बात क्लियर है। और ये बात भी ऑब्वियस है कि किसी कोई भी तीनों एंट्रीज रो की या तीनों एंट्रीज कॉलम की अगर जीरो होगी तो पूरा डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, उसी कॉलम को एक्सपेंड कर दो। ठीक है, इफ ऑल थ्री एंट्रीज, थ्री क्रॉस थ्री की बात कर रहा हूँ, फोर क्रॉस फोर में फोर की बात होगी, ऑल थ्री एंट्रीज ऑफ एनी रो और कॉलम इन डेल्टा आर जीरो, देन डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। ठीक है, अब जो प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ध्यान से समझना, जैसे कि मैंने डिटरमिनेंट को इस तरह से लिख दिया ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश डी ई एफ जी एच आई। ओके, सो इसको मान लो मैं यहाँ से एक्सपेंड करता हूँ प्लस माइनस प्लस, तो क्या बनेगा ए प्लस ए डैश ई आई माइनस एच एफ माइनस बी प्लस बी डैश डी आई माइनस जी एफ सी प्लस सी डैश डी एच माइनस जी। ओके, सो अगर मैं इसको स्प्लिट करके इस तरह से लिख सकता हूँ ए इंटू ई आई माइनस एच एफ बी माइनस बी इंटू डी आई माइनस जी एफ ओके प्लस सी इंटू डी एच माइनस जी प्लस ए डैश सेम क्वांटिटी माइनस बी डैश सेम क्वांटिटी सी डैश सेम क्वांटिटी। रिसेंटली जो दो एक्सप्रेशन आई
इनको वापस तुम दो डिटरमिनेंट से लिख सकते हो। तो इसका मतलब इस पूरी चीज को तोड़ के दो डिटरमिनेंट बनाए जा सकते थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस ए डैश बी डैश सी डैश डी ई एफ जी एच आई। ओके, और इसके साथ अगर मान लो मैं एक और अटैच कर देते ना, ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, तो अगेन एक और आ जाता हमारे पास डिटरमिनेंट। तो कहने का मतलब ये कि अगर इनको दो के सम या तीन के सम के तौर पे लिखा हुआ है सारी एंट्रीज को, तो हम इनको स्प्लिट करके दो या तीन जितने भी हैं डिटरमिनेंट्स बना सकते हैं। पर ये ध्यान रखना कि एक बार में एक ही रो स्प्लिट होती है। कल को जाके आप ये बोल दो कि भाई ये डिटरमिनेंट है ए प्लस ए डैश बी प्लस बी डैश सी प्लस सी डैश डी प्लस डी डैश ई प्लस ई डैश एफ प्लस एफ डैश जी प्लस जी डैश एच प्लस एच डैश आई प्लस आई डैश। ओके, तो इसेंशली पहले ये वाली रो स्प्लिट होगी, ठीक है, तो उससे आपको क्या मिलेंगे, दो डिटरमिनेंट मिलेंगे। फिर उसके बाद ये वाली रो स्प्लिट होगी, अगेन आपको उससे दो डिटरमिनेंट मिल जाएंगे, मतलब ये दो में टूट जाएगा। फिर इसको तोड़ोगे तो फिर से आपको दो दो और मिल जाएंगे, तो इन टोटल आपके पास आठ हो जाएंगे सिंप्लीफाई करके लिखो तो। समझ रहे आप, मतलब एक तुम सोचो ना कि आपके पास जैसे पीएनसी लगा दो बेसिक वाली में, कि पहले रो के एंट्रीज को लिखने के अपने पास दो तरीके हैं, ठीक है, ए ए डैश बी बी डैश सी सी डैश में से कोई भी लोगे, ठीक है, ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, दो तरीके इसके लिए, दो तरीके इसके लिए, दो तरीके इसके लिए, तो टोटल मार्क कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास, आठ तरीके हो जाएंगे, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और पीएनसी में अगर किसी को लोचा है तो भैया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का देख डालो, काम आती रहती बार बार, ठीक है, डिटरमिनेंट में भी काम आएगी, एडवांस काफ़ी सवाल पूछे गए। अब देखो ये सारी प्रॉपर्टी अपन देख ली, इन सब से मिला के बहुत खास प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा। मान लो ये डेल्टा दिया हुआ अपने को डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, अगर मैं इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन दे दूं दैट आर वन गोज टू आर वन प्लस अल्फा टाइम्स आर टू बीटा टाइम्स आर थ्री, अभी अल्फा बीटा कोई भी स्केलर्स हो सकते हैं अपने पास, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, रियल नंबर होना चाहिए बस, ठीक है, तो इन दैट केस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्यों फर्क नहीं पड़ रहा उस पर आप सोचो। अभी तो जो भी पड़ा सारी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये कि आपका डिटरमिनेंट में सीधे सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, ओरिजिनली क्या था आर वन आर टू आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री से आप समझ जाना कि मैं इन तीनों एंट्रीज की बात कर रहा हूँ तरीके से, ठीक है, आपने नया डिटरमिनेंट बनाया, ठीक है, वो कैसे बनाया, आर वन को चेंज करके क्या कर दिया उसकी जगह आर वन प्लस अल्फा आर टू प्लस बीटा टाइम्स आर थ्री एंड आर टू आर थ्री। अब मेरे को क्लेम करना है कि भाई ये डिटरमिनेंट यही वाला है, कोई चेंज नहीं है, कैसे, सबसे पहले तो भी रिसेंटली जो प्रॉपर्टी पढ़ी, तीन तीन का सम करके लिखा हुआ आपने ए प्लस, बेसिकली क्या लिखा हुआ आपने ऊपर वाली एंट्री को ए प्लस अल्फा डी प्लस बीटा जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तीन का समय तो स्प्लिट करके आप तीन डिटरमिनेंट बना सकते हो, और क्या दिखेंगे आपको आर वन आर टू आर थ्री प्लस अल्फा आर टू आर टू आर थ्री प्लस बीटा आर थ्री आर टू आर थ्री। और थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने, सारी एंट्रीज को अगर अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो इसको बाहर निकाल सकते हो, इसको बाहर निकाल सकता हूँ, कॉमन खींच सकते हैं अपन आर टू आर टू आर थ्री एंड बीटा टाइम्स आर थ्री आर टू आर थ्री। अब देखो पढ़ा है अपन ने, कोई भी दो अगर आइडेंटिकल हो जाती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो बेसिकली ये बिल्कुल सपाट जीरो सपाट जीरो, अल्टीमेटली बचा के आपके पास वही, मतलब ऐसा ऑपरेशन करने से हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगा। और हम एक साथ कितने ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर थ्री क्रॉस थ्री की बात तो दो लगा सकते हैं, बेसिक रूल ये होता है कोई भी एक कॉलम या रो वैसी वैसी रहनी चाहिए, वो ध्यान रहे ये अपन कॉलम में भी कर सकते हैं सेम ऐसे कैसे, पर जब कॉलम में लगा रहे तो कॉलम में लगाओगे एक स्टेप में, जब रो में लगा रहे तो रो में लगाओगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अब चार बेसिक डिटरमिनेंट में करके दिखा रहा हूँ आपको, उसे बेस अपन और भी करते रहेंगे,
तो उससे काफी जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी उनका अंदाज आपको अच्छे से लग जाएगा। तो चलो कुछ बेसिक डिटरमिनेंट करते हैं और ये याद रखने के रिजल्ट को, कि नहीं कोई यूज कर करके अपन सवाल बनाते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक पैटर्न भी देखो सिमेट्री बीन के अंदर, 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, खोल के क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, याद करने में आसान है। अब देखो मेजर जो हमारा मोटिवेशन है डिटरमिनेंट को ऑपरेट करने के पीछे मोस्ट ऑफ द एंट्रीज को जीरो बनाना। अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आप मैं आर वन में से कोई भी दो जोड़ के या घटा के कर सकता हूँ काम, तो यहाँ पे तो दो मेरे को दो वन दिखाई दे रहे ना, सिमिलर एंट्रीज दिखाई दे रही है, अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करो तो जीरो बन जाएगा। सिमिलरली मैं इसको भी ऑपरेट कर सकता हूँ, एक साथ दो लगा सकता हूँ, तो क्या क्या इसके अंदर, मैंने आर वन गोज टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू गोज टू आर टू माइनस आर थ्री, सो ये क्या बन जाता है, जीरो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जीरो वाई माइनस जेड एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वन जेड जेड स्क्वायर, ओके। अब देखो फर्स्ट रो के अंदर से मेरे को आराम से एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, अब इससे मत घबराना कि यहाँ नहीं है, जीरो के इंटू में सब कुछ होता है, सब कुछ कॉमन खींचा जा सकता है, और नहीं भी होता तो डिनोमीटर में डालते ना आप, कॉमन तो खींचते हो ना, पहले भी अलजेब्रा में करा हुआ है अपन ने, तो जीरो पॉइंट समथिंग जीरो ही होता है। सो ये क्या बन गया मेरे पास, एक्स माइनस सिमिलरली नीचे से वाई माइनस जेड कॉमन निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड कॉमन खींचने के बाद जीरो जीरो वन वन एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड वन जेड जेड स्क्वायर, ठीक है। अब चाहो तो इसको एक बार ऑपरेट और कर सकते हो ताकि दोनों को भी जीरो बनाया जा सके, या फिर सीधे सीधे आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, मैं ऑपरेट कर रहा हूँ फिर भी, आर वन गोज टू आर वन माइनस आर टू, ये क्या दिखेगा, अगली प्रैक्टिस अपने को आराम से इजीली दिख जाए कि क्या कर रहे हैं अपन, वाई माइनस जेड अंदर क्या हो गया, जीरो जीरो वन माइनस वन जीरो हो गया वन, ऊपर करोगे वाई से वाई कैंसिल एक्स माइनस जेड एंड वाई प्लस जेड, आर वन में चेंज किया ध्यान रखिएगा, आर वन को ट्रांसफॉर्म किया बाकी सब कुछ वैसे वैसे है। अब एक्सपेंड कर दो किसके अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग या फर्स्ट रो के अलोंग भी कर सकते हो जहाँ पे मैक्सिमम जीरो नजर आए, फर्स्ट कॉलम के अलोंग कर रहा हूँ, सो वन इंटू रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करोगे तो जीरो इंटू दिस जीरो माइनस वन इंटू दिस, तो नेगेटिव को एडजस्ट करने के लिए एक्स माइनस जेड की बजाय मैं क्या लिख दूंगा, जेड माइनस एक्स, ओके। सो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ईजी। अब एक और इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट देखेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इन्हीं के अंदर, और ये चार इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज आसान है, ये पैटर्न है इनके अंदर, याद करना आसान है और इनको यूज करके सवाल बनाते रहते हो तो वैल्यू याद होंगी तो थोड़ा आइडिया लगेगा आपको कि क्या हो रहा है इसके अंदर। एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक डिग्री आपने बढ़ाई तो एक डिग्री यहाँ पर बढ़ गई। सेम प्रोसेस आर वन गोज टू आर वन माइनस आर टू एंड आर टू गोज टू आर टू माइनस आर थ्री, सो दिस बिकम्स जीरो एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जीरो वाई माइनस जेड वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब वन जेड जेड क्यूब, ओके। सो अगेन एक्स माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता होना चाहिए सबको, बेसिक आइडेंटिटी नाइन्थ स्टैंडर्ड में सीखी हुई हमने, वाई माइनस जेड कितना हो गया, जीरो जीरो वन 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 जेड, और ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड एंड जेड क्यूब, ओके। सो चाहो तो सीधा ऑपरेट कर सकते हो या मूड है तो एक बार फिर से लगा दो, पिछले वाले में लगाया था कोई दिक्कत नहीं थी, अब मैं सीधा एक्सपेंड कर रहा हूँ इसी कॉलम, प्लस माइनस प्लस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो क्या बन जाता है, एक्स माइनस वाई
वाई माइनस जेड और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो हम यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स वाई। सो पेयर वाइज देखो, यहाँ से इसको क्या लिख दिया, जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स और वाई जेड माइनस एक्स वाई में से अगर मैं वाई कॉमन ले लूँ तो फिर से जेड माइनस एक्स दे देगा। तो इस पूरे को बाहर निकाल लो, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू क्या बच गया, जेड प्लस एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इजी, ये था दूसरा इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट। तीसरा देखो, वन 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 एक ही तरह का पैटर्न है, वाई स्क्वायर। अब इसकी भी डिग्री बढ़ा दी मैंने, एक और डिग्री बढ़ा दोगे आंसर में डिग्री बढ़ दी है फिर। तो आंसर क्या आएगा, ये एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आर वन माइनस आर टू, आर टू माइनस आर थ्री सीधे लगा के दिखा रहा हूँ, अभी तक जो रिपीट किया वही रिपीट कर रहा हूँ। तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब जीरो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब एंड वन जेड स्क्वायर जेड क्यूब। ओके, सो एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स माइनस वाई कॉमन जैसे पहले कर रहे थे, बस थोड़ी चीज़ें एक्स्ट्रा बचेंगी इस बार। सो मैंने देखो x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन खींच लिया तो ये क्या बन जाता है, जीरो जीरो वन x प्लस वाई वाई प्लस जेड। यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 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 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको ऑपरेट कर लेता हूँ आर वन माइनस आर टू, क्योंकि थोड़ा सा प्रोडक्ट लंबा है और देख रहा हूँ कि कुछ यहीं से मेरे को एक्स माइनस जेड कॉमन मिल जाएगा अगर मैं करता हूँ ऐसा। तो इनटू में क्या हो गया, जीरो जीरो ये बन गया एक्स माइनस जेड। सब्ट्रैक्ट करोगे वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, देखो थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने, ये चीज़ भरी थी मतलब ऊपर वाले में, देखो ये बना था ना अपने पास, इनको सब्ट्रैक्ट करते हो आपस में तो यही बनेगा, बस थोड़ा साइन उल्टा हो गया था क्योंकि हमने इस तरह से घटाया था। पर जो भी है देखो क्या बना, ये एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड। तो अगर मैं एक्स माइनस जेड कॉमन निकाल लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस जेड और यहाँ से प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस तरह से लिख सकता हूँ, देख लेना इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म को कॉमन खींच रहा हूँ, वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड वन जेड जेड, ये जेड स्क्वायर है यहाँ पे जेड क्यूब। ओके, एक्स माइनस जेड फिर से कॉमन निकल रहा है और ये डिटरमिनेंट काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस जेड और ये पूरा बन गया मेरे पास जीरो जीरो वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। नीचे हो गया अपने पास क्या, वन जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब मैं इसके लोगों को एक्सपेंड कर देता हूँ इसको, वन इंटू दिस करोगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड मल्टीप्लाई करो, करोगे मल्टीप्लाई तो एक्स वाई माइनस जेड एक्स और पीछे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर सीधे कर देता हूँ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड। तो ये भाई कैंसिल, वाई जेड माइनस टू वाई जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स, माइनस को उठा के यहाँ एडजस्ट कर दो तो पूरा पैटर्न नज़र आता है आराम से
डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके, तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया था, सिंपल डिटरमिनेंट के अंदर एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर इधर डिग्री बढ़ाया, फिर बीच में ही बढ़ा दिया, तो तीन डिटरमिनेंट का सीधा सीधा पैटर्न आपको समझ में आ रहा है और उनके आंसर में भी पैटर्न है। एक तीसरा तरीका देखो, देखो एक तो पहले तो देखा सिमिलर एंट्रीज दिखते तो अपन सबट्रैक्ट करके जीरो बना लेते हैं, एक ही है, इसको बोलते हैं साइक्लिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर थ्री डी में भी इसकी एप्लीकेशन आएगी, एलजेब्रा में भी आएगी, और डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में कर ही रहे हो, इसको ऑपरेट करना है। देखो कोई भी रो या कॉलम में देखो तो एंट्रीज सिमिलर नहीं दिख रही है कॉरस्पॉन्डिंग, तो सब्ट्रैक्ट करके जीरो तो बनाने से रहे, तो इसमें क्या करते हैं अपन, या तो देखो तीनों रो को ऐड कर दो या तीनों कॉलम को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद सेम एंट्री बन जाती है। इस केस में तुम किसी में भी कर लो, रो में बनाओगे तब भी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी बन रहा है, सिमिलर कॉलम में भी ऐसा ही बन रहा है, तो दोनों में बन रहा है तो किसी में भी कर सकते हो, अदरवाइज कुछ सवालों में सिर्फ रो या कॉलम में भी बनेगा, तो ये भी चेक कर देना चाहिए सिमेट्रिकली लिखा हुआ हो, तो तीनों को जोड़ रहा हूँ तो सेम एंट्री आ रही है, तो उसके बाद पता है मेरे को क्या करना है, आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, फिर क्या बन गया डिटरमिनेंट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए को आगे पीछे लिख रहे हो और कुछ नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी, और बची हुई चीज़ें वैसी वैसी पड़ी हुई हैं, सी ए बी, अब ये सी इसको हमारे तीनों में बाहर खींच सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट बच के मेरे पास वन वन वन, और जैसे वन देखा सबके आगे चमक लीजिए, जीरो बनाने की कोशिश होगी, इसको इसमें से इसको इसमें से, मतलब अब इस बार कॉलम वाइज ऑपरेट कर रहा हूँ मैं, सी ए बी, क्या करेंगे आप, सी वन गोज टू सी वन माइनस सी टू एंड सी टू गोज टू सी टू माइनस सी थ्री, कम से कम एक कॉलम वैसे के वैसे रहना चाहिए, मतलब मैक्सिमम दो ऑपरेशन एक बार में लगा सकते हो आप, ये क्या आया, जीरो बी माइनस सी, सी माइनस ए, जीरो सी माइनस ए माइनस बी, दो जीरो बन चुके हैं बस काफ़ी है, अब मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ प्लस माइनस प्लस, इसको लोग एक्सपेंड करूँगा तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके घूम जाएगा, ये करो मल्टीप्लाई, ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, दैट बिकम्स ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी। ओके, माइनस सी माइनस ए होल स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू ए सी हो जाएगा, ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पड़ा हुआ है और माइनस ए सी प्लस टू ए सी, तो पूरा माइनस बाहर खींच लो तो क्या बन जाता है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान करो ये पूरा सिंपल एक आइडेंटिटी बनती है अपनी, किसकी, 9th में पढ़ा हुआ आपने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ओके, और ये भी जानते हो कि अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो करता हूँ तो कब बनेगा, या तो ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए, इक्वालिटी इक्वेशन में आराम से एक्सप्लेन किया हुआ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के अंदर, फिर पीछे वाला फैक्टर जीरो हो जाए, तो पीछे वाला फैक्टर कब जीरो होता है, जब तीनों बराबर हो, एक इम्पोर्टेंट इनक्वालिटी पढ़ी थी हमने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से बड़ी होती है, इक्वालिटी का होल्ड करती है जब ए बराबर बी बराबर सी हो जाए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे, साइक्लिक बोलते हैं, वैल्यू आपके सामने आई गई है तो चारों डिटरमिनेंट की वैल्यू मेरे को याद होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है रो में डाल के कॉलम में से निकाल लेना, तो जैसे कि मैंने बोला रो में डाल कॉलम में निकालना है, तो एक सिंपल डिटरमिनेंट से उसको सोचेंगे, देखो दिया हुआ मेरे को बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी सी सी ए बी एंड ऊपर दिया हुआ मेरे पास बी प्लस सी सी प्लस ए ए प्लस बी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू के बारे में बताना है आपको, अब देखो उसको ऑपरेट करने के बारे में सोच सकते हो, पर ऐसे सटासट कोई ना तो जीरो बनता दिखाई दे रहा है, तीनों को ऐड करो तो सेम वैल्यू भी नहीं बन रही है, तो अभी तक जो मैंने चीज़ें की हैं ऊपर के चार डिटरमिनेंट में कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, पर एक चीज़ देखी जा सकती है, जैसे देखो उसमें बी सी है, बी सी है
अगर मैं यहाँ पे देखो ए डाल दूँ, यहाँ बी डाल दूँ, यहाँ पे सी डाल दूँ, तो पूरे में एबीसी बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूँगा, इस रो में डालूँगा ए, ठीक है, और इसके अंदर डालूंगा बी और इसके अंदर डालूंगा सी। तो रो में डाला और कॉलम में से फिर क्या करूंगा, ए बी सी बाहर निकाल लूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो बेसिकली देखो, आप मल्टीप्लाई करो तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ए को डाल रहा हूँ पहले वाले के अंदर, तो ये बन गया ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी ए बी प्लस ए सी। दूसरे में डाल रहा हूँ बी, तो बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। बी सी ए बी सी प्लस ए बी। और तीसरे में डाल दिया मैंने सी, सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी सी एंड ए ए सी प्लस बी सी। अब देखो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी पूरे कॉलम में बाहर खींच सकता हूँ। अगेन ए बी सी ए बी सी ए बी सी पूरे कॉलम में बाहर खींच सकता हूँ। दो बार बाहर आया तो ए बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। बाहर क्या हो गया अपने पास, ए बी सी, ऊपर से क्या बचा, ए बी सी में से ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी बाहर निकल गया, तो बी सी बचेगा, यहाँ सी ए बचेगा, यहाँ पे ए बी बचेगा, यहाँ पे वन वन वन, ये हो गया ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी। रो में डाला, कॉलम में से निकाल लिया। ठीक है, अब देखो ए बी प्लस बी सी, यहाँ पे बी सी है, बी सी प्लस ए बी, यहाँ पे सी ए पड़ा हुआ है। तो देखो दो चीजें यहाँ पे, तीसरा भाई उनका इस पड़ा हुआ है, तो सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है कि आपको सी थ्री को क्या कर देना चाहिए, सी थ्री प्लस सी वन। बनेगा क्या ये, काफी लोगों को नजर आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, सी ए ए बी वन वन वन। तो ये करोगे तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सेम एंट्री बाहर खींचूंगा तो फिर से यहाँ पे वन वन वन, और यहाँ पे भी वन वन पड़ा हुआ है, तो दो आइडेंटिकल कॉलम बनती है, आंसर कितना हो गया, जीरो। ठीक है, सो आई होप आपको मजा आया होगा, सिंगल सा ही डिटरमिनेंट था हमारे पास। अब ऊपर वो जो डिटरमिनेंट पढ़ा था उसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हो, देखो आराम से कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर एंड बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, ऊपर अल्फा बीटा गामा, तो दिख रहा है साफ साफ। आप क्या कर दो, आर थ्री को फैचा दो, आर थ्री प्लस आर वन, तो क्या बन जाएगा, सीधे ऑब्जर्व करो, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीनों क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर खींच लूंगा, तो क्या दिखेगा मेरे को, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर आ गया, आ जाएगा आर थ्री में से। ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ऑपरेट करने के बाद क्या बन रहा है, आर थ्री के अंदर सेम क्वांटिटी बन रही थी और बाहर निकाल दिया उसको, बीटा फिर गामा स्क्वायर, ये तो अपना फेवरेट बन गया। कैसे, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा वन वन वन। ठीक है, और रो कॉलम में चेंज कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा बीटा गामा वन वन वन, सिमेट्री वाला बना कि नहीं बना। इन दोनों को अगर आपस में एक्सचेंज कर दोगे तो बाहर क्या आएगा, मेरे पास माइनस आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज करने के बाद माइनस वन 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 अल्फा बीटा गामा अल्फा स्क्वायर। इन दोनों को एक्सचेंज किया था तो एक माइनस यहाँ पे भी आया था और एक माइनस यहाँ पे दोबारा लेके आ रहा हूँ मैं, तो वापस प्लस हो जाएगा। और ये डिटरमिनेंट मैंने याद कर रखा है, क्या था, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसलिए इनको याद करना जरूरी है, बीच में जाके बन जाते हैं बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा।
देखिए, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू ए बी माइनस टू बी, टू ए बी वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए टू बी माइनस टू ए वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस सब को ऑपरेट करके आपको प्रूव करना है वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। एनसीईआरटी के सवाल है। ठीक है, अब इसमें वहम मत रहना कि एडवांस कुछ बहुत भयानक चीज़ हो जाती है, यही सब होता रहता है, बस इनका यूज है। अब देखो कि फाइनल आंसर में सब कुछ अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल डिग्री टर्म भी पड़ी हुई है, तो अभी तो हमने चीज़ करी थी ना, रो में डाले कॉलम में से निकाल लो। अब इसमें देखो, मैं अगर देखूँ यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, अगर मैं इस पूरी रो में बी डाल दूँ मल्टीप्लाई करके, तो मैं इस कॉलम में से निकाल पाऊंगा। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, इस पूरी के अंदर अगर मैं ए डाल दूँ तो फिर मैं यहाँ से निकाल पाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने काम क्या किया है कि आर वन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, बी से, तो बाहर भी डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस बात का ख्याल रखें। और आर टू को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं किससे, ए से, तो पूरी सिचुएशन क्या बन जाएगी, वन अपॉन ए बी बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा बी टाइम्स वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, टू ए बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर। ओके, बी डाला, दूसरी में डाल दिया आपने ए, टू ए स्क्वायर बी, ए टाइम्स वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड टू ए स्क्वायर, टू बी एज इट इज माइनस टू ए एज इट इज एंड वन माइनस, यहाँ पे कोई चेंज नहीं किया मैंने, दो में रिक्वायर्ड था। अब क्या कर रहे थे अपन, इस पूरे में से बी 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 बाहर, यहाँ से ए ए ए बी बाहर। ठीक है, तो ए बी बाहर आ गया, फिर से कैंसिल होके हमारे पास क्या बन गया। अब देखो, इस सकल सूरत काफ़ी मैनेजेबल है, सब कुछ डबल डिग्री में पहुंच गया है, सारे एक्सप्रेशन जैसे कि मेरे को आंसर चाहिए, तो मैनेज करना आसान है। ठीक है, ये क्या हो गया, टू ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर एंड टू माइनस टू, तो काफ़ी सारी सिमिलर एंट्रीज दिख जाती है यहाँ पे। सो अगर मैं क्या करता हूँ, देखो इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। और इन दोनों को ऐड करता हूँ तो भी सिमिलर सी स्टोरी दिखाई दे रही है मेरे को। सो करते हैं, सी वन गोज टू सी वन प्लस सी टू एंड सी टू गोज टू सी टू प्लस सी थ्री। थोड़ा सा क्या है, ऑपरेट करने की प्रैक्टिस चाहिए, असाइनमेंट में सवाल दे ही रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वो करोगे तो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा आपका। वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो गया, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जीरो हो गया, ऐड ही करो ना, यहाँ पे भी जीरो हो गया, ये हो गया वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड करूँगा तो माइनस वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, टू ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो इन दोनों कॉलम से तो मेरे को ये क्वांटिटी कॉमन दिख ही रही है। ठीक है, सो क्या हो गया, ये वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर तो मेरे को आ ही गया, अंदर क्या हो गया, वन वन जीरो जीरो वन माइनस वन, और ये हो गया माइनस टू बी स्क्वायर। चाहो तो अब इसको ऑपरेट भी कर सकते हो, कोई काफ़ी सिंपल हो गया है, पर कुछ और भी करना चाहो तो कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर दो तो एक और जीरो दिख जाएगा मेरे को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, वन जीरो माइनस टू बी स्क्वायर वन जीरो, ऊपर ऐड किया तो कितना हो गया, वन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड जीरो माइनस वन, वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैं इसको
बीच वाले कॉलम के अलावा एक्सपेंड कर देता हूँ, कंजुगेटिव जीरो दिख रहे हैं, तो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस वन के आगे माइनस लग जाए तो प्लस हो जाए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सो ये क्या हो गया एक्सपेंड करके, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, तो एक और आ गया, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दो पहले से चले रहे थे तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा ना क्यूब। ओके तो देखो क्या क्या किया मैंने, रो में डाल कॉलम में निकालना, ये पैटर्न दिखना चाहिए अपने, कोई भी कहाँ से निकाल सकते मिले देखे दो तीन बेसिक चीजें, घटाओ जीरो बनाओ, कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो घट जीरो करने के लिए, ठीक है। तो दो तीन एग्जाम्पल और लूंगा तो ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। अब देखो एक अच्छा सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस वन, थ्री एक्स, थ्री एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन। ओके अपने को दिखाना है कि ये चीज़ ऑपरेट करके अल्फा एक्स प्लस बीटा आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू बता दो मेरे को सिंपली, स्केलर्स आएंगे बेसिकली। अब देखो हमें इसको ऑपरेट करना है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की जा सकती हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, इसकी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स करोगे तो भी टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हो जाएगी, एक्स टू एक्स थ्री एक्स, एक्स टू एक्स थ्री एक्स, देख रहे हो, मतलब पहली और तीसरी रो को अगर ऐड करते हो तो बीच वाले का वेरिएबल पार्ट बन जाता है, और जितना वेरिएबल पार्ट खत्म करोगे उतना डिटरमिनेंट को ऑपरेट करना ईजी हो जाएगा। तो आर टू को क्या कर दो, आर टू माइनस पहली और तीसरी को जोड़ के घटा दो, कर सकते अपन ऐसा, सो ये क्या बन जाएगा, बाकी भाई साहब अपने पैजेटिक्स पढ़े हुए एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, उनको नहीं छेड़ा अभी मैंने, जो भी कर रहा हूँ अभी नीचे वाले के साथ बीच वाले के साथ कर रहा हूँ, टू एक्स माइनस वन। अब देखो जोड़ के किया, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स घटाया तो सिर्फ माइनस वन बचा यहाँ पे, इसका खुद का, और ये माइनस थ्री हो जाएगा माइनस फोर। ओके ये वाला पार्ट टूट गया, थ्री एक्स कैंसिल हो गया, और इन दोनों को जोड़ोगे तो वैसे जीरो हो गए, तो जीरो हो गए, दो माइनस एक माइनस तीन सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी पूरा जीरो हो गया, तो काफ़ी हद तक मामला सेट हो गया। अभी मन करेगा कि दो जीरो बन गए एक्सपेंड कर दो, और सिंपल भी कर सकते हैं अपन, चाहो तो कर भी सकते हो एक्सपेंड, पर कर भी सकते हैं अपन, देखो सिंपल एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस टू, आराम से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ज़्यादा इसको ऑपरेट करने की आवश्यकता वैसे तो नहीं दिख रही मेरे को, प्लस माइनस प्लस करोगे तो ये फोर टाइम्स एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स माइनस वन एंड माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है। सो टू एक्स माइनस वन मेरे को कॉमन दिख रहा है, बाहर खींच लिया, अंदर क्या हो गया एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू, एक्स एक्स कैंसिल बन गए ना लीनियर, तो दो और एक तीन सीधा सीधा कर सको तो और ज़्यादा इसमें तमाशा करने की आवश्यकता नहीं है। तो तीन बार खींच लोगे 2x माइनस वन, तो सीन हो गया अपने पास ये 24x माइनस 12, अल्फा 24 बीटा माइनस 12 आ गया अपने पास, इजी। एक और एग्जांपल देखो, ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए रेज टू पावर फोर माइनस वन, बी रेज टू पावर फोर माइनस वन, सी रेज टू पावर फोर माइनस वन, अगर ये चीज इक्वल टू जीरो हो जाए, ठीक है, तो मेरे को शो करना है दैट ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. इट इज गिवन दैट ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, दैट ए बी सी आर डिस्टिंक्ट. तो देखो ये देखने में अपने पास तो ऑलरेडी मैंने तीन डिटरमिनेंट देखे थे इम्पोर्टेंट, उनसे कुछ मैच खाती चीज़ें. और ये तो दिख ही रहा है कि कॉलम जो है दो दो एंट्रीज के तौर पर लिखा है, तो मैं इनको अलग तो कर ही दूँ पहले ही. सो ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए रेस्ट पावर फोर बी रेस्ट पावर फोर सी रेस्ट पावर फोर माइनस ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वन 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 माइनस बार दे लिया ऑलरेडी, ठीक है उसका कॉलम का. तो ये तो मेरा फेमिलियर है, दो के ऊपर से घुमाऊंगा तो ये डिटरमिनेंट को ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है, वैसे के वैसे ही रहेगा. इन दोनों को एक्सचेंज डबल एक्सचेंज करूंगा तो दो बार माइनस प्लस हो जाएगा वापस. ओके माइनस इसमें से देखो मैंने क्या किया, ए कॉमन बी कॉमन सी कॉमन, सो ए बी सी बाहर पड़ा हुआ है, क्या बन गया ये वन वन वन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब. तो दो इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट हो गए अपने. क्या लिखा था हमने इसमें, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए. देखो हाईएस्ट डिग्री वाला था ये, क्या बना था इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस पीछे वाले में क्या बना था ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी. तो ये वाला हिस्सा कॉमन आ रहा है, बराबर जीरो दिया मैंने इसको, उसको बाहर निकाल लेता हूँ. सो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू ए बी सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी. अब देखो अपने गिवन है कि डिस्टिंक्ट है, तो ये पार्ट टू जीरो होने से रहा, तो यही पार्ट जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली चीज किसके बराबर हो जाएगी इसके, हैंस प्रूव. ठीक है चलिए के अच्छे सवाल के साथ इसको फिनिश करते हैं. बी प्लस सी होल स्क्वायर, अभी तक हमने जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है सब लगा दूंगा इसके अंदर. बी ए सी, बी ए सी प्लस ए होल स्क्वायर, पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा इसमें, ए बी बी सी और यहाँ पे क्या आ गया अपने पास सी ए बी सी एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर. ठीक है ये आपको प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है आपको टू ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब. ओके सो अब मैं कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर सकता हूँ यहाँ से, ए है ए है, तो अगर मैं यहाँ पे भी ए डाल दूँ फर्स्ट रो के अंदर ए डाल दूँ तो कॉलम में से बाहर निकाल लूँगा. सिमिलरली देखो यहाँ पे बी है पी है, अगर मैं सेकंड के अंदर बी डाल दूँगा तो फिर यहाँ से बाहर निकाल दूँगा बी को. ठीक है यहाँ पे बी डाला और बीच में से बाहर निकाल दिया, यहाँ से ए डाला और फर्स्ट रो में से बाहर निकाल दिया, और पैटर्न इसमें दिखा हुआ सी है सी है, इसका मतलब इसमें अगर आप सी डाल दोगे तो यहाँ से सी बाहर निकल जाएगा. तो ए बी सी डाल दिया और ए बी सी बाहर निकाल दिया तो कैंसिल हो जाएगा. काफ़ी सॉल्व करके दिखा चुका हूँ तो आई गैस आप फॉलो कर पाओगे. ये क्या बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए डाला भी था बाहर में निकाल दिया. ठीक है इसमें क्या डाला था अपन ने, बी डाला था ए बाहर जा चुका है तो बी स्क्वायर, इसमें क्या डाला था मैंने सी, ए बाहर जा चुका है तो सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या डाला था अपन ने ए, बी बाहर निकाल चुके तो ए स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, बी डाला भी बाहर भी निकाल दिया और बी बाहर जा चुका तो ये हो गया सी स्क्वायर, एंड ये क्या हो गया मेरी, इसमें हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सी डाला भी था और कॉलम में से बाहर निकाल दिया. ठीक है तो सबसे पहली चीज़ है कि सब कुछ सेम डिग्री का हो गया, तो दो तीन चीज़ें तुम्हें दिखाई दे रही हैं, या तो मैं देखो ऐसे एक्सचेंज कर दूँ तो जीरो बन जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो बन जाएगा और यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें फेवरेबल अपने हक में हो सकती हैं. तो कोशिश करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ
या फिर इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा भी सकते हो, पर अभी जो मेरे को इमीडिएटली जीरो बनते दिखाई दे रहे, बनाने की कोशिश करता हूँ। सी वन गोज टू सी वन माइनस सी टू, सी टू गोज टू सी टू माइनस सी थ्री, ठीक है। सो वट डू वी ऑब्जर्व हेयर, क्या बन जाएगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस बिकम्स बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दी। सेम यहाँ पे लगा रहा हूँ, बी प्लस सी प्लस ए बी सी माइनस सी जीरो हो गई, और ये क्या हो गया मेरे पास जीरो। सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी लगेगी, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए प्लस बी इंटू सी माइनस ए माइनस बी, और ये एज इट इज पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तो मेरे को कॉमन नजर आ ही गया है, ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस यहाँ से भी आ रहा है, तो स्क्वायर तक तो बाहर निकाल सकता हूँ आराम से। सो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाहर खींच लिया जाए तो डिटरमिनेंट की शक्ल थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए जीरो, जीरो सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी मैं एकदम से एक्सपेंड करने की स्थिति में तो नहीं हूँ, क्योंकि कहीं पे भी मेरे को कॉन्जुगेट जीरो तो नजर नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इस ब्रैकेट को भी हिला लिया जाए तो कुछ कर सकते हैं क्या? इन दोनों को अगर मैं जोड़ के घटाऊं तो कुछ बना सकते हैं अपन। क्या कर रहा हूं मैं, देखना ध्यान से। आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर वन प्लस आर टू, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, आर वन प्लस आर टू करूंगा तो मेरे पास सी कैंसिल हो जाएगा। यहां पे स्थिति आएगी क्या, बी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए जीरो, जीरो ए स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी, और ये बी स्क्वायर, यहाँ पे जीरो तो नहीं बचेगा, बेसिकली दोनों को जोड़ के घटा रहा हूँ ना, तो दोनों को जोड़ा तो सी कैंसिल हो गया मेरे पास, क्या बन गया था, टू बी माइनस टू ए, उल्टा लिखूंगा तो टू ए माइनस बी हो जाएगा। नीचे वाले में मैंने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जीरो प्लस अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो सी से सी तो गुम हो गया, सी से सी खत्म हो जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दो ना आप सीधे सीधे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करो, जीरो से कुछ हुआ नहीं, बी भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या बचता है मेरे पास, माइनस ए माइनस ए माइनस टू ए, ओके। सी प्लस ए सी माइनस माइनस टू ए, और इधर हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करोगे तो टू ए बी। तो देखो दो तो कॉमन खींच ही लो, क्या फायदा होगा मेरा, थोड़ा सा बस देखने में इजी लग रहा है, जीरो ए स्क्वायर, क्योंकि मेरे को दो लेके आना था ना, वो तो मैं लेके आ ही चुका हूँ, बी माइनस सी माइनस ए सी प्लस ए माइनस बी, बी स्क्वायर यहाँ पे हो गया ए माइनस बी माइनस ए और ए बी। अब देखो बी माइनस बी माइनस सी प्लस ए माइनस ए प्लस ए, इन दोनों को ऐड करूंगा तो जीरो होगा, और इधर डालूंगा तो ए भी खत्म हो जाएगा, तो ये तो कर दो पहले, सी वन गोस टू सी वन प्लस सी टू कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये बी प्लस सी माइनस ए ही रहेगा, जीरो ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, ये पूरा जीरो हो गया, ये हो गया माइनस बी, जीरो ए स्क्वायर सी प्लस ए माइनस बी माइनस ए, और ये हो गया बी स्क्वायर ए बी। अब देखो माइनस बी माइनस ए,
तो मैं क्या करता हूँ, सी वन गोज टू सी वन प्लस सी थ्री डिवाइडेड बाई ये अटैक ऐड करते जीरो हो जाएगा। सिमिलरली सी टू गोज टू सी टू प्लस सी थ्री डिवाइडेड बाई बी, तो दो कॉन्जिकेटिव जीरो निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। क्या किया अपन ने, सी वन प्लस सी थ्री डिवाइडेड बाई ए, सी थ्री डिवाइडेड बाई ए करूँगा तो ये हो गया मेरे पास बी प्लस सी हो जाएगा माइनस ए है तो एक ए बच रहा है ना, तो कैंसिल कर देगा उसको, ये बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, कोई लोड नहीं देखेंगे इसको बाद में, यहाँ जीरो हो जाएगा। और सी टू गोज सी टू प्लस सी थ्री बाई बी तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर बाई बी, कोई लोड नहीं है देखते हैं इसको क्या बनता है, ये बन गया सी प्लस ए, ये जीरो हो गया। ओके तो ये हो गया अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अब एक्सपेंड कर देता हूँ, ज़्यादा तकलीफ नहीं लेते हैं इसके अलाउ, तो ये क्या बन गया भाई अपना ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू में क्या बन गया, बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए, दैट इज बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। तो ये चीज़ अपनी कैंसिल हो गई, इस पूरे में से अगर मैं सी कॉमन निकाल लूँ तो ये कितना बन जाता है अपने पास ए बी, हाँ ये हो गया टू बाहर आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, एक सी बाहर निकाल लिया आपने और एक डिटरमिनेंट का ए बी तो लगा ही रहा, ए बी के इनटू में जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा एक ए प्लस बी प्लस सी और बाहर जाएगा, ए प्लस सी प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए तो ये क्यूब हो गया, एक ए बी पीछे और है तो कितना हो गया टू ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, सो आई होप आपको डिटरमिनेंट ऑपरेट करना आ गया होगा। अगले लेक्चर में एप्लीकेशंस पे बात करूंगा, इस लेक्चर में सिर्फ हमने सीखा है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या है और उसको ऑपरेट कैसे करते हैं, तो कुछ सवाल लगा लो इस पे। तो चलो आगे देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, अब ये चीज कैसे होती है, तो मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ। मान लो दो डिटरमिनेंट ले लेता हूँ मैं, टू थ्री वन फोर वन थ्री एंड टू फाइव वन, सिंपल। और एक और ले लेता हूँ फोर टू वन थ्री एंड फोर फाइव टू। अब इसमें देखो जनरली कुछ लोग फेमिलियर होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो बोलते हैं ऐसा कि रो बाई कॉलम चले जाओ, मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे और क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी और उनका करना है सम। तो पहली जो एंट्री आएगी ना अपने इसकी वो क्या आएगी, टू इंटू फोर प्लस थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू फोर, समझ रहे हो, दिस विद दिस देन थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू फोर, इन सबका कर दिया सम, कितना हो गया मेरे पास एट प्लस सिक्स फोर्टीन प्लस फोर एटीन। फिर ये जाएगी अगली वाले के साथ, ठीक है, थ्री क्रॉस थ्री का कर रहे हो तो वापस थ्री क्रॉस थ्री का आंसर आएगा अपने पास, सेम प्रोसेस करो, टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन प्लस फाइव ट्वेल्व, अगेन टू प्लस नाइन इलेवन प्लस टू थर्टीन, पूरा हो गया। अब नेक्स्ट रो जाएगी सेम प्रोसेस करते हुए हर एक कॉलम के साथ, क्या बनेगी, सिक्सटीन प्लस टू फोर फोर सिक्सटीन, वन प्लस टू कितना हो गया बने टू एटीन प्लस ट्वेल्व थर्टी एंड एट प्लस वन नाइन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फोर, फोर प्लस थ्री प्लस सिक्स थर्टीन, एट प्लस टेन एटीन प्लस फोर ट्वेंटी टू, फोर फाइव नाइन फाइव फोर्टीन टू फिफ्टीन सेवनटीन टू नाइनटीन। ठीक है, ये आपने क्या रो बाई कॉलम। अब देखो अपन में एक बात ध्यान है ना कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है, मतलब रो को कॉलम से एक्सचेंज करो डिटरमिनेंट के फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब
अगर मैं इस डिटरमिनेंट को सपोज करो ट्रांसपोज कर दूं, तो ये जो कॉलम बना बैठा है ये रो बन जाएगी। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट में आप चाहे जैसे मल्टीप्लीकेशन करो, रो बाई रो करो, रो बाई कॉलम करो, जैसे अपनी प्रेफरेंस हो उस हिसाब से कर सकते हैं। चाहे कॉलम बाई कॉलम करो, चाहे कॉलम बाई रो करो, ठीक है, प्रोसेस वही चलेगी। अगर फर्स्ट कॉलम से कॉलम कर दो, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, फर्स्ट कॉलम की एंट्री, फर्स्ट कॉलम सेकंड, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। अभी एंट्री कुछ है, रो में लिखो चाहे कॉलम में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगेन बेसिक से इसका लॉजिक ये है कि रो को कॉलम से एक्सचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको ये बात समझ में आ गई। अब देखो सवालों में इसका यूज कैसे होता है। दो को आपको प्रोडक्ट करने के लिए दूंगा तो प्रोडक्ट कर ही लोगे, लेकिन अगर रिवर्स आना हो ना तो डिफिकल्ट हो जाता मामला। ऑब्वियसली बात है, इस तरह के नंबर वाली चीज़ को रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट है। पर हम एक वेरिएबल एक्सप्रेशन की अगर बात करेंगे ना, तो एक पैटर्न पकड़ना आसान हो जाएगा मेरे लिए। जैसे एक सिंपल सा सवाल है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ एफ एन, दैट इज एल्फा रेज टू पावर एन बीटा रेज टू पावर एन, और तो ये डिटरमिनेंट बना के दिया मैंने आपको, थ्री एफ वन एफ टू एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ टू एफ थ्री एफ फोर, ओके, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू के टाइम्स वन माइनस एल्फा वन माइनस बीटा एंड एल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। ओके, आपको के का वैल्यू बताना क्या आएगा। इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा मैं सुंदर करके लिखूं, मतलब खोल के लिखूं, तो थ्री एफ वन का मतलब यहाँ पे एक चीज और इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी मेरे को, वन, ओके, सो वन प्लस एल्फा प्लस बीटा, वन प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वन प्लस एल्फा प्लस बीटा, वन प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वन प्लस एल्फा क्यूब बीटा क्यूब, वन प्लस एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, वन प्लस एल्फा क्यूब बीटा क्यूब, वन प्लस एल्फा रेस्ट पावर फोर बीटा रेस्ट पावर फोर, ठीक है। अब थोड़ा सा भी अगर इसको ऑपरेट वगैरह करने के बारे में सोचोगे तो थोड़ी सी घबराहट होगी, लेकिन इसमें जो थ्री जो लिखा हुआ है ना, यही अपने आप में हिंट है। इस थ्री को अगर मैं वन प्लस वन लिखूँ, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो तीन तीन एलिमेंट्स का सम करके लिखी हुई है, तो ये सफिशियंट हिंट है इस बारे में सोचने के लिए कि ये प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट के तौर पर ब्रेक किया जा सकता है। तो तरीका देखना, वन प्लस वन आया, इसका मतलब ये होता है कि आपने क्या किया होगा, वन वन का मल्टीप्लीकेशन किससे किया होगा, वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस वन इंटू वन, एक भी बना दोगे तो बाकी सारी चीज़ें बनती जाएंगी अपने आप। थोड़ा सा शुरुआत करो, अभी सेकेंड एंट्री कैसे आएगी, वन मल्टीप्लाई हुआ वन से, फिर वन मल्टीप्लाई हुआ एल्फा से, फिर बीटा से। ये वाली एंट्री कैसे आई, वन मल्टीप्लाई हुआ वन से, और वन मल्टीप्लाई हुआ एल्फा स्क्वायर से, और ये बीटा स्क्वायर से, ओके। तो पहली तीन एंट्रीज दिख गई आपको। अब देखो ये एंट्री कैसे बनी होगी, ये एंट्री बनी होगी अपनी कैसे, वन इंटू वन एल्फा इंटू वन बीटा। अब देखो ऑटोमेटिकली जब सेकेंड रो इस पे जाएगी तो आपको ये एंट्री दिखेगी, यही जब इस पे जाएगी तो आपको ये वाली एंट्री दिखेगी। अगेन लास्ट वाली देखो, वन एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो से, ये एंट्री आ गई, और आगे खींचो को दिया जाएगा, दोनों डिटरमिनेंट सेम बन गए। और ये अपना फेवरेट है, वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स इज ये वन लिखा हुआ है, तो अपना पता था अपने को क्या था, वो एक्स माइनस वाई, ठीक है, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स और सारी क्वांटिटी का होल स्क्वायर। क्योंकि होल स्क्वायर तो आगे पीछे लिखने से फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, वन माइनस एल्फा वन माइनस बीटा एल्फा माइनस बीटा सारे का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करके देख लो कि ये की वैल्यू वन आ रही है, ठीक है। तो यही ट्रिकी प्रोसेस है, एक दो एग्जांपल और करके दिखाऊंगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी आपको करने में। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ए वन माइनस बी वन होल स्क्वायर, ए वन माइनस बी टू होल स्क्वायर, ए वन माइनस बी थ्री होल स्क्वायर। सिमिलरली ए टू माइनस बी वन होल स्क्वायर, ए टू माइनस बी टू होल स्क्वायर, ए टू माइनस बी थ्री होल स्क्वायर। अब अगली लाइन तुम गैस कर सकते हो, सेम पैटर्न में चल रहा है,
थ्री माइनस बी वन होल स्क्वायर, ए थ्री माइनस बी टू होल स्क्वायर, ए थ्री माइनस बी थ्री होल स्क्वायर। ओके, ये मेरे को प्रूव करना है कि ये चीज क्या आएगी, पास टू टाइम्स ए वन माइनस ए टू, ए टू माइनस ए थ्री, ए थ्री माइनस ए वन, और सेम ये इसी तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा बी वन माइनस बी टू, बी टू माइनस बी थ्री, बी थ्री माइनस बी वन। अब इसमें देखो ये अपने आप पे हिंट है कि इस तरह की जो एक्सप्रेशन मेरे को डबल बना के दी मल्टीप्लाई करके, तो इसको इससे लगता है कि भाई अपन इसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये भी सोचने वाली बात है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये डिटरमिनेंट भी क्या बनने वाला है, इसका भी आइडिया लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो इसको एक बेसिक आइडिया लगाने के लिए देखो ओपन कर दूं मैं, क्या बन रहा है, ए वन स्क्वायर माइनस टू ए वन बी वन बी वन स्क्वायर, फर्स्ट लाइन लिख रहा हूं, बाकी आइडिया आपको लग जाएगा, टू ए वन बी टू प्लस बी टू स्क्वायर, ए वन स्क्वायर माइनस टू ए वन बी थ्री प्लस बी टू स्क्वायर। ओके, और ये पूरा डिटरमिनेंट बंद, और सिमेट्रिक पैटर्न में ए टू के साथ इसी तरह की टर्म्स, ए थ्री के साथ इसी तरह की टर्म्स। ओके, सो ये हम क्या लिख सकते हैं, ए वन स्क्वायर, ठीक है, और माइनस टू ए वन वन, एक पूरा डिटरमिनेंट बनाऊंगा ए वन के साथ, ए के साथ, और दूसरा पूरा बी के साथ, जैसा कि मेरे को उसके आर एच एस से हिंट लग रहा है। अब मेरे को अगर ये टर्म बनानी है तो ए वन स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन होगा वन के साथ, और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा मेरा इसके साथ बी वन के साथ, और वन का मल्टीप्लीकेशन होगा बी वन स्क्वायर के साथ। सिमिलरली दूसरे पे आ जाओ, दूसरी वाली टर्म कैसे बनेगी, यही रो उठ के जाएगी दूसरे वाले रो के साथ, तो मेरे पास वन, ये बी टू, ए वन बी टू है ना, और ये बी टू स्क्वायर, वन बी थ्री, बी थ्री स्क्वायर। अब देखो दूसरा वाला डिटरमिनेंट से तो ये चीज आ ही जाएगी, जो पहला स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट आपने सीखा है वन 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 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आ ही रहा है। और दूसरी वाली चीज से यही सेम चीज ए टू के लिए भी होगी, देखो ना ये वाली एंट्रीज भी इसी तरह से आएंगी। तो एक बार अगर आपने पैटर्न क्रैक कर लिया तो इसको ब्रेक करना काफी ईजी है। अब मैं क्या करूंगा, माइनस टू को बाहर ले लेता हूँ और इन दोनों को एक्सचेंज करूंगा, या फिर ऐसे बोलो इन दोनों को एक्सचेंज किया तो ये इधर आ गई, और इन दोनों को एक्सचेंज किया, या सबसे पहले इन दोनों को एक्सचेंज कर दो ना, सी वन एक्सचेंज विद सी थ्री, तो दो कॉलम एक्सचेंज करो, माइनस आएगा बीच में, माइनस दो बाहर निकालो तो टू टाइम्स आ जाएगा क्या, वन वन वन, ए वन ए टू ए थ्री, ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री स्क्वायर, और सिमिलरली वन 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 बी वन बी टू बी थ्री। इसलिए आपको बोला था वो चार डिटरमिनेंट तो अपने को याद ही रखना है, ठीक है ना, वो काफ़ी काम की चीज़ है, उनसे मिला के सवाल बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए वन माइनस ए टू, ए टू माइनस ए थ्री, सेम चीज़ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और यही चीज़ बी वन के लिए। ओके, तो ये अपन प्रोडक्ट पे कैसे तोड़ा जाता है ये बेसिक आइडिया अपने को लग गया है। अब देखो अपने स्टार्टिंग में लेक्चर में को फैक्टर्स की बात की थी, याद है ना आपको, मान लो एक डिटरमिनेंट ए लिखता हूँ मैं, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री एंड ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ये बेसिकली नाइन एलिमेंट्स मैंने इसके सारे मेंशन कर दिए, और इसके कोरस्पॉन्डिंग बोल देता हूँ कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स है सी, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट मेरे को पता करना है क्या आएगा। कोफैक्टर्स मतलब कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स लिख देता हूँ, सी वन वन, सी वन टू। आपको ध्यान है कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसकी रो छोड़ दोगे, कॉलम छोड़ दोगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये करेंगे, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट लगाने पड़ते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए। सी वन वन, सी वन टू, सी वन थ्री, सी टू वन, सी टू टू, सी टू थ्री,
C31, C32, C33। अब इसकी वैल्यू निकालनी मेरे को। अब ऑलरेडी तुम देखो कि मल्टीप्लिकेशन सीखी जियो मैट्रिक्स का, तो अगर मैं इन दोनों मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, फर्स्ट रो बाई रो कर रहा हूँ, तो A11 प्लस A12 प्लस E12 प्लस A13 प्लस E13। एलिमेंट्स मल्टीप्लाई विद द कोरस्पॉन्डिंग कैप को फैक्टर्स का सम अपने क्या देता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू। तो ये बेसिकली डेट ही हो जाएगा, और बाकी किसी और के साथ मल्टीप्लाई करोगे सेम रो को किसी और रो के को फैक्टर से, तो सीधे सीधे जीरो आना है। अगेन सेकेंड रो पकड़ी, फर्स्ट रो के को फैक्टर्स के साथ जीरो, खुद के साथ किया तो वापिस डिटरमिनेंट की वैल्यू। ये स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी बता दी दोनों, तो उससे कंक्लूड कर सकते हो डेट ए फर्स्ट रो से कॉमन, सेकेंड रो से कॉमन, थर्ड रो से कॉमन। तो ये क्या बन गया अपने पास, डेट ए डेट सी इज इक्वल टू डेट ए का क्यूब 1 1 1 0 0 0 0 0 0, जिसका डिटरमिनेंट मेरे पास 1 आ जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूड कर सकते हो आपके डेट सी का क्या वैल्यू आ रहा है मेरे पास, डेट ए का स्क्वायर। बेसिकली 3x3 की मैट्रिक्स थी तो डेट का स्क्वायर आया है। तो इन जनरल अपने पास अगर एन क्रॉस एन ऑर्डर की हो तो n-1 आ जाएगा, 3 के केस में 2, तो n के केस में n-1 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। ओके, तो इस पे एक सवाल लगा देता हूँ। मान लो अपने पास डेट ए, बेसिकली डिटरमिनेंट है 1xx² x² 1 एंड x² 1x, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3। आपसे पूछी जा रही है ये वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू, x³ -1 0, x·x⁴ 0, x−x⁴ x³ -1 x−x⁴ x³ -1 0। ओके, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर ऑपरेट करने से पहले अपने थोड़ा सोचना चाहिए कि ये वैल्यू क्या बन रही है। देखो ये कहाँ से आ रही है, ऐसे x³ -1, मतलब ये इसका को फैक्टर है 0। ये कैसे बनी होगी, इसका को फैक्टर देखो, रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दी, x·x² एंड −x², तो ये किसका को फैक्टर है 0, इस चीज का, इस एक्स का। ठीक है, अगेन इस x² का लिखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, x²(x−x⁴)। ठीक है ना, ये फर्स्ट कॉलम के को फैक्टर्स लिखे हुए हैं, और आपको पता है रो बाई रो भी मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, कॉलम बाई कॉलम भी हो सकता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगेन ये जो मैंने बनाया है ना डिटरमिनेंट, ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से को फैक्टर लेने से ही बनाया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, डेट ए का स्क्वायर मतलब के 9। मैंने सीधे सीधे ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो चीज़ है कैसे बनी है, को फैक्टर्स के लेने से, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से को फैक्टर लेने से बनाया आपने, तो सीधा सीधा बोल दिया क्या आ गया, 3 का स्क्वायर 9। ओके, अब थोड़ा सा डिटरमिनेंट के डिफरेंशिएशन पे बात कर लेते हैं कैसे किया जाता है। तो प्रोडक्ट रूल आपको पता होगा डिफरेंशिएशन का, यूवी रूल बेसिकली क्या था, u' एक बार में एक फंक्शन का करते बाकी सब कॉन्स्टेंट, तो उसी फिलोसफी को ध्यान में रखेंगे। मान लो अपने पास डेल्टा एक्स, एक्स मतलब एक्स के फंक्शंस हैं f1x, ओके f2x, f3x, g1x, g2x, g3x एंड h1x, h2x, h3x, ये सब क्या है, डिटरमिनेंट्स हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको एक्सपेंड करो फिर डिफरेंशिएट करो, अगर मैं सीधा बोलूँ कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा डेल्टा एक्स का, तो हमारे पास सिंपल सा रूल है कि एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट करना है और बाकी सब एज इट इज, मतलब f1', f2', f3', बाकी सब एज इट इज। ओके, एक्सपेंड करोगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यही तरह से निकलेंगे डिटरमिनेंट्स। अब सेकंड रो का डिफरेंशिएशन बाकी सब एज इट इज, h1, h2, h3 प्लस थर्ड रो का डिफरेंशिएशन बाकी सब एज इट इज। ठीक
ठीक है। तो जनरल रूल आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ जैसे नॉर्मल यू रूल लगाते हैं वही करना है, बस रो वाइज डिफरेंशिएट करते जाना है। एक बार में एक रो को करोगे और बाकी दोनों रो एज इट इज। तो कई बार क्या होता है कि आपके एक ही रो में फंक्शन होते हैं, बाकी सब तो कॉन्स्टेंट ही होते हैं। मान लो ये वाली रो कॉन्स्टेंट की, ये वाली रो कॉन्स्टेंट की, तो बाकी दोनों डिटरमिनेंट टूट ही जाएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएट करते 0 0 हो जाएगा। एक रो में 3 0 आ गए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। ओके, समझ में आया आपको डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन के लिए सिंपल सा एग्जांपल देखो, एक फंक्शन एफ एक्स है जिसको डिटरमिनेटिंग फॉर्म में लिखा है मैंने, कोस एक्स कोस टू एक्स कोस थ्री एक्स साइन एक्स साइन टू एक्स साइन थ्री एक्स एंड कोस एक्स टू कोस टू एक्स थ्री कोस थ्री एक्स। ठीक है, मेरे को वैल्यू निकालनी है एफ डैश जीरो एंड एफ डैश पाई बाई टू की। अब इसमें देखो, अगर मैं एफ डैश एक्स कैलकुलेट करने जाऊंगा तो रो वाइज भी कर सकते हो, कॉलम वाइज भी कर सकते हो, हमारी बात ऑलरेडी हो रखी है इस बारे में। अब इसमें देखो कि सिमिलर एंट्रीज हैं, देखो कॉलम के अंदर कोस 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 साइन 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 कोस कोस कोस, तो बेहतर अप्रोच ये होगी कि अपने इसको कॉलम वाइज करें, अदरवाइज रो वाइज भी करो कोई दिक्कत नहीं है, पर सिमिलर एंट्रीज है ना कॉलम में, तो ये चीज़ देख लेनी चाहिए अपने को। तो अब मैं देखो क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम का क्या क्या बन गया, माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन टू एक्स, चेन रूल लगा दिया, माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। ठीक है, सिंपल चेन रूल, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, अंदर वाली क्वांटिटी का भी डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ साथ, और बाकी सब एज इट इज। एज इट इज को मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से उठा के चिपका लेंगे सीधे सीधे। फिर फर्स्ट अब सेकंड का करोगे, देखो साइन एक्स डिफरेंशिएशन कोस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन टू एक्स और टू कोस टू एक्स यहाँ लिखा हुआ है, साइन थ्री एक्स और थ्री कोस थ्री एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जाएगा, सीधा ऐसा लिख सकता हूँ ना, सी टू डैश जो है वो आइडेंटिकल है सी थ्री से, तो ये डिटरमिनेंट सीधे ही जीरो हो गया, लिखने की आवश्यकता ही नहीं है इसको। और तीसरा जब करूँगा बाकी दोनों एज इट इज, तीसरे डिफिनिशन माइनस साइन एक्स माइनस फोर साइन टू एक्स माइनस नाइन साइन थ्री एक्स। ओके, अब जब एफ डैश जीरो निकालने जाओगे, अब देखो एफ डैश जीरो करने गए तो फर्स्ट रो साइन जीरो जीरो होता है, ये तीनों जीरो बन जाएंगे, तो पूरा ही कुछ भी करो तीनों जीरो बन गए तो ये जीरो हो जाएगा खत्म, दूसरा वाला तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था, तीसरा भी जीरो जीरो हो जाएंगे पीछे पीछे, बाकी कुछ भी अपने क्या फर्क पड़ता है, तीन जीरो अगर एक लाइन में बन गए तो ये भी जीरो, तो एफ डैश जीरो तो सीधे सीधे मेरे पास जीरो आ गया। एफ डैश पाई बाई टू निकालने जाओगे तो देखो हमारे पास एफ डैश पाई बाई टू, ओके एफ डैश पाई बाई टू निकालो, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट कॉलम में वैल्यू डालता हूँ पाई बाई टू, कितना हो गया माइनस वन साइन पाई जीरो हो गया, साइन थ्री पाई बाई टू होता मेरे पास माइनस वन, तो ये प्लस थ्री हो गया। बाकी दोनों कॉलम ऊपर से उठा के लिखो, साइन पाई बाई टू अगेन वन साइन पाई जीरो और साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन कोस पाई बाई टू जीरो कोस पाई माइनस वन, सो माइनस टू हो जाएगा, कोस थ्री पाई बाई टू फिर से जीरो हो जाएगा। सेकेंड तो मेरे पास वैसे ही जीरो है, कुछ भी पुट करो, थर्ड में खेलोगे पहले लिख देता हूँ साइन पाई बाई टू माइनस वन साइन पाई जीरो साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन, तो नाइन हो गया। बाकी दोनों कॉलम कोस पाई बाई टू जीरो कोस पाई माइनस वन कोस थ्री पाई बाई टू जीरो एंड साइन एक्स साइन पाई बाई टू वन साइन टू एक्स साइन पाई जीरो और साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन, दो डिटरमिनेंट आ गए। खोल दो इसको, इसको खोल देता हूँ मैं यहाँ से, इसके अलॉन्ग माइनस प्लस माइनस, सो माइनस टू का प्लस टू हो जाएगा, तो ये कितना हो गया वन माइनस थ्री माइनस टू, सो माइनस टू इंटू टू हो गया, और इधर से इसको इसके अलॉन्ग खोल देता हूँ माइनस प्लस माइनस माइनस वन इंटू नाइन माइनस वन एट नाइन माइनस वन एट, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस एट हो जाएगा, आंसर आ गया अपने पास फोर। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ होगा कैसे करना है, एक बार में एक कॉलम या एक बार में एक रो करते हैं अपन। ठीक है,
अब एक लगे आता ना इंटीग्रेशन के, भाई समझ जाओ, हमने देखो एक चीज पढ़ी थी कि अगर मान लो मैं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, बाकी सब अपने पास डी ई एफ जी एच आई, शुरू में जब एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पढ़ा था इसको डिटरमिनेंट से रिलेटेड, तो इसको खोल के अपन ये डिटरमिनेंट बना सकते हैं, ए वन बी वन सी वन बाकी सब सेम, प्लस ए टू बी टू सी टू बाकी सब सेम, एंड ए थ्री, जस्ट रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ आपको, ऑलरेडी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, बाकी सब सेम। तब देखो अगर मैं इस चीज को ऐसे भी तो बोल सकता था, सिग्मा ए आई सिग्मा बी आई सिग्मा सी आई डी ई एफ जी एच आई, सिग्मा मतलब समझ रहे ना, समेशन आई इज इक्वल टू 1 2 3, सेम लिमिट सब में, तो ये क्या बन गया मेरे पास, डायरेक्टली बोल सकता हूँ सिग्मा, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ए आई बी आई सी आई डी ई एफ जी एच आई, आई फ्रॉम 1 2 3, ओके। तो बेसिकली एक एरो के अंदर चल रहे ना सारे आई वाले ऑपरेशन, तो हम इस तरह से सिग्मा को ट्रांसफर अंदर कर सकते हैं, ओके। उसी प्रॉपर्टी को थोड़ा नोटेशन वाइज लिखा है, अगर ये ए आई बी आई सी आई अगर फंक्शन हो जाए एक्स के, तो इंटीग्रेशन सिग्मा इंटीग्रेशन ही तो बेसिकली कंटिन्यूस फेज में। सो मेरे पास मान लो इस तरह से मैं दे दूं आपको कि ये क्या है, फंक्शन है ए एक्स बी एक्स सी एक्स, ये किसके फंक्शन है, एक्स के, बाकी सब कांस्टेंट, इस बात का ध्यान रखिए बाकी सब कांस्टेंट है, आपको पता है एक बार में एक रो स्प्लिट होती तो ऊपर भी सम भी रिवर्स ऐसे कर पाओगे, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन बी एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन सी एक्स डी एक्स डी ई एफ जी एच आई, ओके। मान लो अपने को डेल्टा एक्स दिया हुआ है, वन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सिक्स फोर एक्स थ्री एंड 9x-7, ओके। सो बिना एक्सपेंड किए आपको मेरे को वैल्यू बतानी 0 से 1 डेल्टा एक्स डी एक्स की। अब इसमें देखो एक छोटी सी समस्या क्या है कि हमारे पास चल रहा है क्या, एक्स स्क्वायर फोर एक्स 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 क्यूब 3-7, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या करना पड़ेगा कि एक ही रो में लेके आना पड़ेगा सबको, ठीक है। वो कैसे कर सकता हूँ, इस पूरे में से मान लो मैं एक्स कॉमन खींच लूँ तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से क्या कर रहा हूँ, इस बात का प्रिकॉशन हमेशा देखना है कि एक ही लाइन होने से सारे एक्स के फंक्शन किसी भी एक कॉलम में किसी भी एक रो के अंदर, तो मैं सीधा इंटीग्रेशन अंदर ले जाऊंगा। तो आपने पूरे में से एक्स कॉमन खींचा, एक्स बाहर आ गया, ये क्या बन गया, एक्स फोर वन और एक्स क्यूब 3-7, ठीक है। इस एक्स को बाहर भी नहीं छोड़ना क्योंकि प्रोडक्ट रूल बन जाएगा फिर। अब इस एक्स को फर्स्ट रो के अंदर डाल सकता हूँ मैं, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, एक ही रो के अंदर हो जाएगा, सो दैट बिकम्स एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 6-4-3 एंड 9-1-7, ठीक है, इजी। अब मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ आराम से, एक ही रो के अंदर एक्स को लेके आ गया हूँ तो इंटीग्रेशन 0 से 1 डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये पूरा मेरे पास इंटीग्रेशन किधर चला गया, डिटरमिनेंट के अंदर, 0 से 1 एक्स डी एक्स 0 से 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इस लेवल का फिजिक्स में भी करते हैं, 6-4-3-9-1-7, तो एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू आता है, अपर लिमिट डालूंगा तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये 1/2 1/3 ये हो गया 1/4, 6-4-3-9-1-7। अब देखो अगर मैं फर्स्ट रो को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 से बाहर डिवाइड भी कर रहा हूं, 6-4-3
नीचे भी क्या है हमारे पास, 6 फोर, दो रो आइडेंटिकल होगी तो आंसर कितना आएगा 0, तीन इंटीग्रेशन का आंसर कितना हो गया 0। तो इस वाले आर्टिकल में अपन ने क्या सीखा भाई, प्रोडक्ट कैसे करते हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखा डिटरमिनेंट का, और कुछ प्रिकॉशंस पे ध्यान देना है अपने को इंटीग्रेशन करते टाइम, सारे फंक्शन एक रो में होने चाहिए और डिफरेंशिएशन में एक बार में एक ही रो डिफरेंशिएट होती है। ओके, तो कुछ सवाल लगा लो इस पे आप। चलो आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स, बेसिकली जिसको अपन बोलते हैं अपन क्रैमर रूल। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपने ऑलरेडी सोल्व की है 10th क्लास में, आपको याद दिलाऊं तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बेसिक मेथड यूज करते थे आप बेसिक, लेकिन वो थे दो वेरिएबल्स में। अगर अपने पास वेरिएबल तीन चार कितने भी हो जाए तो हम क्रैमर रूल लगा सकते हैं। क्रैमर रूल मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा रिवाइज कराऊँ ताकि आप बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओ हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास देखो इस तरह से इक्वेशन लिखते थे आप, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड होता था। शुरुआत भी अपन यहीं से की थी चैप्टर की, 1 अपॉन x के नीचे क्या लिखा आपने, इसको ढक लिया और क्या लिख दिया, b1 c2 माइनस b2 c1 एंड माइनस वाई के नीचे क्या लिख दिया, a1 c2 माइनस a2 c1, और c1 के नीचे लिख दिया अपन ने a1 b2 माइनस a2 b1। अब मैं इनको अगर डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखोगे आप, b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन a1 a2 c1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। ठीक है, अब इसमें तो थोड़ा सा रिप्लेसमेंट कर रहा हूं मैं, अगर a1x प्लस b1y इन इक्वेशन इस तरह से लिखूं मैं, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2, तो बेसिकली आप देखो d1 की वैल्यू क्या है, माइनस c1 है। ठीक है, डी टू वैल्यू क्या है, माइनस सी टू है। तो ये जो डिटरमिनेंट आपने लिखे हैं, थोड़ा सा मैं अगर इसमें देखो क्या करूं, B1 वाली इन रो को आपस में एक्सचेंज करूं दोनों कॉलम को, आपको पता है माइनस बाहर आता है ऐसे, और माइनस को अंदर ले लेता हूं कहां पे, यहां पर फर्स्ट कॉलम के अंदर, तो कोई गड़बड़ नहीं होगी इससे। एक्सचेंज किया, माइनस बाहर निकला और माइनस को एडजस्ट किया फर्स्ट कॉलम के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, y, ठीक है, ऊपर माइनस वाई है, मैं क्या कर रहा हूं ये पढ़ा रहने, तो इस ऊपर वाले माइनस को अंदर डाल दो, a1 a2 माइनस c1 माइनस c2। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं रिप्लेस करूंगा माइनस c1 माइनस c2 किससे, d1 d2 से, ताकि आप क्रैमर रूल की जो भूमिका बन रही है उसको और अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो हम जो पढ़ते थे पहले वो मोर और लेस क्रैमर रूल ही था, वो d1 d2 b1 b2 इज इक्वल टू y अपॉन a1 a2 d1 d2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। अब अपन इसको क्या बोलते हैं, इस डिटरमिनेंट को बोल देते हैं डेल्टा x, इसको बोल देता हूँ डेल्टा y, और ये हो गया मेरा डेल्टा। तो सोल्व करने पे मेरे को क्या प्राप्त हुआ, डेल्टा एक्स इज इक्वल एक्स इज इक्वल डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एंड वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा। ओके, तो सेम इसी चीज को देखो, डेल्टा एक्स कैसे बनाया आपने, तो जब भी हम देखो इस तरह की इक्वेशन देखेंगे, a1 x b1 y इज इक्वल टू d1 a2 x प्लस b2 y बराबर d2, एक्स वाई के कोफिशिएंट से मैंने क्या बना लिया अपना डेल्टा, ये वाला डिटरमिनेंट। ठीक है, और जब मैं एक्स वाली लाइन को रिप्लेस करूंगा किससे, d1 d2 से, तो मेरा क्या तैयार हो जाएगा, डेल्टा एक्स, और जब एक्स वाई वाली लाइन को रिप्लेस करूंगा किससे, वाई कोफिशिएंट वाली को d1 d2 से, तो मेरा तैयार क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई। एक बार डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा निकाल लो, सॉल्यूशन इस तरह से आएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल। अब इसको जनरलाइज करके अगर मैं तीन वेरिएबल में जाऊं,
जो कि अपने पास एग्जाम में पूछी जाएंगी फ्रीक्वेंटली, ए वन एक्स बी वन वाई सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन, ए टू एक्स बी टू वाई सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू, एंड ए थ्री एक्स बी थ्री वाई सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या डिफाइन करना है, डेल्टा। डेल्टा मतलब वेरिएबल्स के कोफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट, ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ठीक है, अब डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, एक्स के कोफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो किससे, डी वन डी टू डी थ्री से, डी वन डी टू डी थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। ओके, और फिर डेल्टा वाई ये कैसे आएगा, अगेन कोफिशिएंट वाले डिटरमिनेंट में वाई वाले रिप्लेस कर दिया अपन ने किससे, अब डी वन डी टू डी थ्री से, डी वन डी टू डी थ्री एंड सी वन सी टू सी थ्री। सिमिलरली डेल्टा जेड कैसे आएगा, जेड वाले कोफिशिएंट रिप्लेस कर दिए, तो पैटर्न तो आएगा आपको समझ में आ गया ही करना है क्या अपने को। ठीक है, अपने को फटाफट ये चारों डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेने हैं, और फिर जैसे ही डिटरमिनेंट निकाल लोगे तो अपने पास फटाक से आंसर आएगा क्या, कि एक्स की वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, जैसा कि अभी अपन दो वेरिएबल में क्या था सेम वैसा ही तीन वेरिएबल में होगा, और इवन इनके फोर वेरिएबल में इक्वेशन आ जाए तो अभी यही करना है आपको, डेल्टा जेड बाई डेल्टा। ओके, और सोल्यूशन तो निकाल लिया अपने, वो आपको पता है कि जब लीनियर इक्वेशंस निकालते हैं हम, ये बेसिकली कहती है नो थ्री डायमेंशन में प्लेन की इक्वेशन बनती है, जैसे कि 2D में क्या बनती थी वो लाइंस, प्लेन के अंदर क्या बनती थी अपने पास लाइन बनती थी कोई कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, उसी तरह से थ्री डायमेंशन स्पेस में तीन वेरिएबल में क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं। तो भी ये तीनों प्लेन यूनिक पॉइंट पे काट रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे काट रहे हैं या फिर काट ही नहीं रहे। ठीक है, तो आपने 10th क्लास में इसके बारे में सुना था कि भाई लाइंस के बारे में ये तीन स्थिति बन सकती है, पैरेलल हो जाए मतलब नो सॉल्यूशन, काट जाए यूनिक सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट हो जाए एक ऊपर एक आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसकी जानकारी है आपको। ये कब बोलते थे आप, बीच वाली बात करूँ तो ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है बेसिकली, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। और इस केस में क्या बोला था आपने, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब डेल्टा तो जीरो हो जाएगा पर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जीरो नहीं होंगे, और ये कब, तो तीनों ही सेम हो जाए तो मतलब डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई भी जीरो। तो इसी चीज को एक्सटेंड कर दो, हम बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कि भाई ये सिस्टम कैसा रहेगा, नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन की बात ही कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज चर्चा कर रहा हूँ अपन डेल्टा से ही कर रहे हैं, अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तीनों प्लेन या प्लेन के अगर तीन वेरिएबल की बात कर रहे हो तो यूनिक पॉइंट पे काटेंगे, और डेल्टा अगर जीरो हो गया तो फिर आपको दो बातें चेक करनी पड़ेगी, अगर ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये भी तीनों जीरो आ जाते हैं तो फिर अपने पास क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जैसा कि तुम थोड़ी देर पहले देखा था। और इन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉन जीरो हो गया, कोई भी एक, तो देख लो ना जीरो नॉन जीरो कौन जीरो इनफाइनाइट नॉन डिफाइन आ रहा है, तो फिर अपन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। इसकी 3D में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है वो 3D में बताऊंगा, हाल फिलहाल अपन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स पे फोकस रखते हैं। इन दोनों केस में क्योंकि सोल्यूशन तो आ ही रहा है तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट है मतलब सॉल्वेबल है, सोल्यूशन प्राप्त किया जा सकता है, और इस केस में क्योंकि सोल्यूशन आएगा ही नहीं तो क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा तीनों इक्वेशन को जो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया तीन लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, इसी का एक स्पेशल केस और देखते हैं, फिर अपन सवालों की तरफ बढ़ेंगे। ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू जीरो, बेसिकली मैं तीनों इक्वेशन में जो कांस्टेंट है उसको जीरो कर रहा हूँ। ओके, ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस
प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू जीरो। इस तरह के सिस्टम में जिसमें कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं और सारे टर्म लीनियर ही हैं सेम डिग्री के, तो इसको अपन बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तीन प्लेन है। अब एक बात सबको समझ में आ रही, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसलिए ओरिजिन तो सबको सेटिस्फाई कर ही रहा है, समझ लो 0,0,0 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल का वैसे लिटिल मीनिंग है ऑब्वियस, साफ दिखाई दे रहा है 0,0 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई मेथड किसी बात की आवश्यकता नहीं है। अब यही अकेला सोल्यूशन है, और भी हो सकते हैं, इसके लिए अपने क्या करना पड़ेगा, वही चीज़ है, डेल्टा चेक करोगे कोफिशेंट्स का, अगर ये नॉन जीरो हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ओनली, और यूनिक एक सॉल्यूशन मेरे को ऑलरेडी पता है, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। और ये बात दिमाग में रखना, लीनियर इक्वेशन या तो यूनिक पॉइंट पे काटती है या इनफाइनाइट पॉइंट पे काटती है, बीच में कुछ भी नहीं कि दो सॉल्यूशन आ जाएंगे तीन सॉल्यूशन आ जाएंगे। उसकी वजह ये है, अगर दो पॉइंट तीन प्लेन में कॉमन है तो उन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन भी तो तीनों प्लेन में कॉमन होगी, और लाइन पे कितने पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट, इसलिए अपन हमेशा ऐसा बोलते हैं। और डेल्टा अगर जीरो हो गया तो फिर, अब इसमें देखो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तो जीरो है ही बाई डिफॉल्ट, क्योंकि तीन जीरो से रिप्लेस करोगे किसी भी डिटरमिनेंट को तो फिर वो जीरो आना ही है, तो इसमें नो सॉल्यूशन वाली बात तो वैसे ही खत्म होगी। और डेल्टा जीरो हो गया तो फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बचेगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि आपका ट्रिवियल के अलावा भी एक और सॉल्यूशन आएगा। तो जब भी सवालों में ऐसा बोला जाए इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आपको फटाक से क्या कर देना है, डेल्टा को जीरो कर देना है। ओके, तो ये बेसिक थी अपने पास सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कंडीशन, कुछ एग्जांपल लगेंगे तो ये बात और अच्छे समझ में आएगी। तो अपने जो ये सीखा है नेचर ऑफ सॉल्यूशन ग्रामर रूल्स पे, कुछ सिंपल सवाल लेते हैं जिससे क्लैरिटी आए, फिर आप सवाल लगाते रहिएगा इस पर। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एंड 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू -5। ये तीन इक्वेशन सेट है, इसको सॉल्व करो। ओके, तो पुराने टाइम पर अपन ये भी करते थे कि पहले दो दो का यूज करके जेड को इलिमिनेट करो, फिर दो इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लो x y आ जाएगा, फिर जेड निकाल लो। ठीक है, अभी अपन लगाना है इसमें क्रैमर रूल। तो सबसे पहले अपन को डेल्टा निकालना पड़ेगा, डेल्टा क्या आएगा, 1 1 1 1 माइनस 1 1 एंड 3 2 माइनस 4। सीधा एक्सपेंड कर दो, क्या आ गया, 4 माइनस 2 2 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 7 एंड 1 इंटू 2 प्लस 3 5, 14 आ गया, नॉन जीरो आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे आप, ये एक्स वाली लाइन को रिप्लेस कर दोगे किससे, ये जो अपने एक्स वाली लाइन है इसको रिप्लेस कर दो किससे, डी वन डी टू डी थ्री से, तो ये बन जाएगा 6 2 माइनस 5 1 1 माइनस 1 1 2 माइनस 4। एक्सपेंड कर दो, 4 माइनस 2 2, तो 6 2 12 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 3 प्लस माइनस प्लस, ऊपर से एक्सपेंड कर रहा हूँ, 1 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1, दैट इज 14। अब डेल्टा वाई निकाल दो, डेल्टा वाई क्या आएगा अपने पास, बी के कोफिशेंट्स वाई वाले कोफिशेंट रिप्लेस करने हैं, 1 1 3 वाई कोफिशेंट इज क्या आ गया, डी वन डी टू डी थ्री, और ये एज इट इज 1 1 माइनस 4। एक्सपेंड कर देता हूँ ऊपर वाले कर लूँगी, सो 1 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3 माइनस 6 इंटू माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 6 इंटू माइनस 7 प्लस 42, एंड 1 इंटू माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, सो 42 माइनस 14 कितना हो गया मेरे पास, 28। अब डेल्टा जेड भी निकाल दो, डेल्टा जेड में क्या करना है अपने को, जेड वाले कोफिशेंट को रिप्लेस करना है,
किससे, डी वन डी टू डी थ्री से, बाकी दोनों एच डी, तो वन माइनस वन टू, यहाँ पे आ गया सिक्स, टू माइनस फाइव, प्लस माइनस प्लस, एक्सपेंड कर देता हूँ, फाइव माइनस फोर वन हो गया, माइनस वन इंटू माइनस फाइव माइनस सिक्स माइनस इलेवन, तो ये प्लस इलेवन हो जाएगा, एंड सिक्स इंटू कितना हो गया मेरे पास, ये टू प्लस थ्री 30, कितना हो गया आंसर 42। सो सिंपल सेल सी वैल्यू आ गई है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा, क्रैमर रूल अप्लाई कर रहा हूँ, सो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी मेरे पास 14/14 वन हो गया, और वाई की वैल्यू आ गई डेल्टा वाई बाई डेल्टा, डेल्टा वाई की वैल्यू 28/14 टू हो गया, एंड जेड बाई डेल्टा 42 आया, ये 3 आ गया, 1 2 3 सेटिस्फाई कर दी, देखो किसी में भी डालो, देख लो 1 + 2 + 3, 1 - 2 + 3 2 आ गया, तो इसको भी करी जाएगी, कितना हो गया मेरे पास 3 + 4 7 -12 -5, यस ओके। तो इस तरह से क्रैमर रूल अप्लाई किया जाता है। अब ये सवाल देखो, नेचर ऑफ सॉल्यूशन का काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे, 2x + py + 6z = 8 एंड x + 2y + qz = 5 एंड x + y + 3z = 4। ठीक है, अपने को नेचुरल सॉल्यूशन डिस्कस करने हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पी और क्यू की डिफरेंट वैल्यूज क्या पॉसिबल है, तीन ही बातें डिस्कस करनी है अपने को, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अपना डेल्टा निकाल लें, डेल्टा क्या हो गया 2 1 1 p 2 1 एंड 6 q 3, सोल्व किया कितना आ गया, ये 6 - q 2 times 6 - q - p times 3 - q एंड 6 times 1 - 2 - 1 - 6। ठीक है, तो ये बन गया अपने पास 12 - 6 6 हो जाएगा, 6 - 2q - 3p + pq। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो 3 - q, और यहाँ से अगर -p कॉमन निकालूँ तो 3 - q, तो ये बन गया अपने पास p - 2 q - 3, दोनों फैक्टर्स ही माइनस कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो एक बार सारे निकाल लेते हैं फिर केस डिस्कस करते रहेंगे, इसमें दिख ही रहा है ऑलरेडी, डेल्टा एक्स का मतलब फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को अपन रिप्लेस कर दें किससे, d1 d2 d3 से, 8 5 4 p 2 1 6 q 3, ओके। सो डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, 8 times 6 - q - p times 15 - 4q प्लस 6 times 5 - 8, दैट इज -3, कितना हो गया मेरे पास, ये 48 - 18, सो 48 - 18 इज 30 - 8q - 15p + 4 pq, ओके। तो यहाँ से अपन 2 कॉमन निकाल ले अगर, तो क्या आ जाएगा 15 - 4q, और यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ, माइनस पी कॉमन निकाल लूँ, तो ये आ जाएगा 15 - 4q, तो एक्सपेंड करके क्या बन गया ये, अगेन इसमें भी दोनों फैक्टर से माइनस कॉमन निकाल लूँ, 4q - 15। ठीक है, डेल्टा वाई क्या आएगा, अब मेरे को b1 b2 वाली लाइन रिप्लेस करनी है, 2 1 1 8 5 4 दूसरे में आ जाएगा, 2 1 1 8 5 4, और थर्ड रो थर्ड वाला मैजिटीज एक्सपेंड करो, कितना हो रहा है 15 - 4q, 2 से मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा 30 - 8q - 8,
थ्री माइनस क्यू, सो गए माइनस 24 प्लस 8 क्यू एंड 6 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 1, तो ये 24 ये कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, ये तो जीरो हो ही रहा है। ठीक है, तो डेल्टा वाई को किसी से दिक्कत नहीं है, तो जीरो हो रहा है। और डेल्टा जेड निकालोगे तो 211, अभी थर्ड रिप्लेस हो जाएगी P21, और सी वाले की जगह अपने पास क्या आ जाएगा 854। एक्सपेंड किया, क्या आ गया 2 2 जा 4 माइनस 5, 3 2 जा 6 माइनस पी टाइम्स 4 माइनस 5 माइनस 1 प्लस पी हो जाएगा 8 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस से, तो ये सीधे सीधे पी माइनस 2 ही आ रहा है। ठीक है, सो ले देखे अपने पास पी माइनस 2 क्यू माइनस 3, ये सारी चीजें सामने पड़ी हुई हैं। तो फिर पहला केस, अगर मैं पी को 2 ना लूँ और क्यू को 3 ना लूँ, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस केस में अपने पास आने यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, पी को 2 ले लूं या फिर क्यू को 3 ले लूं, तो डेल्टा मेरे पास हो जाता है 0 के बराबर। अब मेरे को चेक करना पड़ेगा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड में। तो दो ब्रांच निकलती है यहाँ से, एक तो हो गया अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात, उसके लिए आपको तीनों को 0 करना पड़ेगा। तो डेल्टा एक्स को 0 करना पड़ेगा, तो क्यू की वैल्यू 3 के लिए तो होगा नहीं हो, है ना, क्योंकि क्यू इस, तो पी की वैल्यू 2 कर सकता हूँ, है ना, मेरे पास केस डेल्टा वाई तो ऑलरेडी 0 है ही, और पी की वैल्यू 2 करोगे तो डेल्टा जेड भी 0 हो जाएगा। मतलब इसके लिए डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड तीनों ही 0 हो रहे हैं, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगा। और दूसरी चीज, नो सोल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, पी को 2 मत रखो, क्योंकि पी को 2 ना रखो और क्यू को 3 रख रहे हो तुम, तो फिर पी को 2 नहीं रखोगे तो तुम्हें क्यू को 3 रखना पड़ेगा, तो डेल्टा तो 0 करना ही है ना नो सोल्यूशन डिस्कस करने के लिए। तो क्यू को 3 पी को 2 नहीं रखा तो ये चीज 0 होगी नहीं, तो एक भी अगर नॉन जीरो हो रहा है तो भी अपने पास नो सोल्यूशन के लिए सफिशियंट ग्राउंड है। ओके, और एक लास्ट चीज और देख लो होमोजीनियस के ऊपर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई कैसे अपने यूनिक नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन पे कमेंट करते हैं। कैमरून बहुत सिंपल अप्लाई करना। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दी है 2ax-2y+3z इज इक्वल टू 0 एंड x+ay+2z इज इक्वल टू 0 एंड 2x+az इज इक्वल टू 0। ओके, खैर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो फिर एक वैल्यू बताओ। तो ये आपको ध्यान है होमोजीनियस सेट ऑफ इक्वेशंस है, तो एक सोल्यूशन तो ऑलरेडी है 0,0,0, जिसको अपन ट्रिवियल बोलते हैं। नॉन ट्रिवियल मतलब इसके अलावा भी कुछ और, उसके अलावा कुछ भी और का मतलब होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। और क्योंकि D1 D2 D3 ऑलरेडी 0 है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड 0 होते ही, तो आपको सिंपली डेल्टा 0 कर दो जब भी आपको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के एग्जिस्ट होने की कंडीशन बोली जाएगी। तो सीधे सीधे डेल्टा निकालो, कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट 2 -2 3 1 a 2 and 2 0। ये इसमें देखो एक ही चैलेंज मिलेगा आपको, ये वाई के कोफिशिएंट इधर उधर कर दिए, इसके उधर कर दिए, पहले आपको सुंदर से सजा लेना है और सही तरीके से कायदे से कोफिशिएंट को आइडेंटिफाई कर लेना है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2a into क्या हो गया, ये a² -0a² ही हो गया, -+2 हो गया, a-4 हो गया एंड +3 into ये हो गया -2a = 0। सो इक्वेशन क्या बन गई, 2 तो कॉमन निकाल लो, a³ + a-4 -3a, सो दिस इज a³ -2a-4 = 0। दिख रहा है साफ, a की वैल्यू 2 डाल सकते हो यहाँ पे, a की वैल्यू 2 डालोगे सेटिस्फाई कर रहा है, 8 - 8 0 हो रहा है, तो फैक्टराइज कर देते हैं इसको, a³ -2a² + 2a² ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है आपको इसमें, -4a + 2a-4 = 0।
इस तरह से तोड़ना है कि भाई ए माइनस टू कॉमन निकलता रहे, या फिर लॉन्ग टर्म डिवीजन कर सकते हो। इसको मैंने बहुत तरीके से समझाया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ए माइनस टू प्लस टू टाइम्स ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो ए माइनस टू बाहर निकाल लो, सो अंदर की चीज़ बन रही है ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस टू, दैट इज ए प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये चीज़ तो जीरो होने से रही, तो ए की एक ही वैल्यू आएगी मात्र दो। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी आ गई भी नेचर सॉल्यूशन कैसे डिस्कस किया जाता है क्रैमर रूल के साथ, दो वेरिएबल में भी और तीन वेरिएबल में भी सीखे हो। अब सवाल लगा सकते हो आप इसके ऊपर। तो आगे बात करते हैं ज्योमेट्री में डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे आती है। सॉल्यूशन तो आपने ऑलरेडी देख ली है, तो कुछ चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं, 10th क्लास में भी स्ट्रेट लाइन में भी डिफाइन किया हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफाइन किया है, उन सबको कलेक्ट करके मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ये ट्राइंगल अपनी 2D ट्राइंगल, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स अपने पास X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3। इसका एरिया निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकाला जा सकता है, दैट एरिया विल बी इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3। ये पहली एप्लीकेशन होगी अपने पास। और अगर ये डेल्टा जीरो हो जाता है तो इसका मतलब एरिया जीरो हो गया, इसका मतलब ऑल थ्री पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी के लिए भी इस चीज का यूज कर सकते हो आप, डिटरमिनेंट जीरो करा के आर कोलिनियर। ओके, 2D ज्योमेट्री में अपने को दिया है, इस तरह से कर सकते हैं अपन आराम से। दो एप्लीकेशन बता दी मैंने, एरिया जीरो हो गए तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, और कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। एक बार सारी एप्लीकेशन सुन लो, फिर एक साथ सवाल लगाएंगे इन पे, ऑफ थ्री लाइंस। ओके, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस की अगर बात करूं तो हमारे पास तीन लाइन की इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूँ, a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0, a3x b3y + c3 = 0। अब तीनों लाइन कॉन्करेंट होने का मतलब तीनों एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो यूजुअल केस में आप क्या करोगे, कोई भी दो को सोल्व कर दो, एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को तीसरी में सेटिस्फाई कर दो। अगर सेटिस्फाई हो जाता तो मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन से पास हो रही हैं। अब देखो, जब मैं इन दोनों इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सोल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, b2c3 - b3c2 / a2b3 - a3b2। और उसको ऊपर पुट करूंगा एलसीएम वगैरह लोगे तो डिटरमिनेंट की एक्सप्रेशन बन जाएगी, वो सिंपली वही होगा a1 × b2c3 - b3c2। ठीक है, मेथड बता दिया आपको जिसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं आपको। सिंपली क्या करना है, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइन दिखाने के लिए इनके सारे कोफिशियंट्स का डिटरमिनेंट बना के जीरो कर देना है, क्योंकि जो ड्राइव करते हो ना वो डिटरमिनेंट की एक्सप्रेशन ही आती है, उसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में याद करना कितना आसान है। देखो, सिर्फ कोफिशियंट के डिटरमिनेंट को जीरो करना है, दैट्स इट। ओके, दूसरी एप्लीकेशन हो गई अपने पास। एक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूँ, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c। यस, सेकेंड डिग्री जनरल जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आपको पता है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स सब कुछ बता सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन ए बी सी एच जी एफ सी में कंडीशन क्या है। तो इसके लिए अपन ने लिखा था फैक्टराइजेबल इंटू टू लीनियर फैक्टर्स, इंटू टू लीनियर फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिराइव करवाया हुआ है मैंने इसको एप्लीकेशन के तौर पे, और अगर आपको याद नहीं है, रिवाइज करना चाहते हो तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, टू लीनियर फैक्टर्स। और क्या बोला जाए, रिप्रेजेंट्स कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब आपने दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इसको बनाया है। इस बात की कंडीशन क्या होगी, तो टू स्ट्रेट लाइन। तो देखो के वो कंडीशन क्या आती है। अब देखो, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, मेरे को तो याद है, काफी बार प्रैक्टिस हो चुकी है, पर सोचो इसको इस तरह से याद करना कितना डिफिकल्ट होगा। ab c + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0। लेकिन इसी चीज को आप आसानी से याद कर सकते हो डिटरमिनेंट की फॉर्म में, कैसे,
ए बी सी लिखने का तरीका देखना, ए बी सी डायगनल के कॉलम छापा, एच जी एफ घुमाया, एच जी एफ घुमाया, सिमेट्री डिटरमिनेंट है। खोल के देखोगे इसको तो ऊपर यही वाली कंडीशन आने वाली है, ठीक है। बाकी आपने क्रॉस प्रोडक्ट में इसका यूज देखा हुआ है डिटरमिनेंट का, और 3D में भी आएगा। तीन वेक्टर्स होते हैं, ए आई कैप, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, बी वन आई कैप, बी टू जे कैप, बी थ्री के कैप, सी वन आई कैप, सी टू जे कैप, सी थ्री के कैप। अगर कोप्लेनर होते हैं तो इन तीनों के कोफिशिएंट का बॉक्स जीरो कर देते हैं। तो वो एक्सक्लूसिव भी वैक्टर 3D पढ़ाऊँ तो उसमें डिस्कस करूंगा ही। तो फिलहाल ये दो चार एप्लीकेशन है, इस पर कुछ सवाल लगाते हैं। अब कुछ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पर बात कर लेते हैं। हमने कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस के बारे में बात की थी, जिसमें बोला था कि तीन लाइन अगर कॉन्करेंट होगी तो उनके कोफिशियंट्स का जो डिटरमिनेंट बनेगा वो जीरो कर देंगे, 3by+b। तो तीन इक्वेशंस में इस तरह से लिख रहा हूँ, x+2cy+c। अब देखो आपको दो तरीके से बोला जा सकता है, आइदर वी से दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि एक एक्स कॉमा वाई की वैल्यू है जो कि इनको साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगी, ओके। या फिर बोला जाए कि तीनों लाइंस की इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं वो कॉन्करेंट होंगी, तो दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, तो लैंग्वेज से कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम ही है। तो अपने को ऐसा कहने का मतलब डिटरमिनेंट जीरो करना है, 1 1 1 4a 3b and 2c a b c। सीधा एक्सपेंड कर देता हूँ, फर्स्ट कॉलम कह लो क्या बन गया, ए 3b-c3bc-2bc-1 into 4ac-2ac+1 into 4ab-3ab। तो ये पूरी चीज जीरो के बराबर हो गई थी, बन गया मेरे पास क्या, bc-2ac+ab=0, ओके। सो bc+ab=2ac। अगर बहुत साइड ए बी सी से डिवाइड कर दिया जाए तो 1/a+1/c=2/b, ओके। ए बी सी से डिवाइड कर दिया बहुत साइड, तो देखो एक तरह से क्या पता लग गया, ये आजू बाजू का सम बीच वाली का डबल, मतलब 1/a, 1/b, 1/c, ये किस में आ गए, एपी में। और एपी का उल्टा क्या होता है, एचपी। तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है या लाइन रिप्रेजेंटेड बाय देम आर कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से पास होती है, तो एबीसी किस में होंगे, एचपी में। इसी पर देखो एक अच्छा सवाल और बनाया जा सकता है, 2x+3y-1=0, ओके। एंड सम α(x−y+1=0 एंड 3x+4y+7=0, ठीक है। मैं आपसे बोलूं लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय देम नेवर फॉर्म्स ए ट्राइंगल, काफी बार पूछा गया इस तरह का सवाल, नेवर फॉर्म्स ए ट्राइंगल, नेवर फॉर्म ए ट्राइंगल, देन अल्फा की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। कल तो दिमाग लगाओ, ये तीनों लाइनें ट्राइंगल कब नहीं बना पाएंगी, एक कंडीशन सबके दिमाग में आ रही होगी, तीनों लाइन अगर कॉन्करेंट हो जाए तो, या फिर कोई भी दो पैरेलल हो जाए तो, ठीक है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, 1 2 3, कॉन्करेंसी कंडीशन सबको पता है, डिटरमिनेंट जीरो करना है, तो कर देता हूँ। क्या बन गया, 2 3-1 α-1 + 1 3 4 7। एक्सपेंड कर दो इसको, फर्स्ट रो क्या लोगे, एक्सपेंड कर देता हूँ, क्या बन जाएगा, -7 -4 -11 -22 एंड -3 × 7α, मतलब -21α-3 + 9 हो जाएगा, -1 × 4α -4α + 3 हो रहा है तो -3 हो गया, ओके। ये बराबर जीरो करना है, तो यहाँ से कैल्फिक वैल्यू निकाल लोगे, ये कितना बन गया मेरे पास, 25 -9,
ओके -25 अल्फा इज इक्वल टू 25 माइनस 9 मतलब 16, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 16/25। और दूसरे वाले केस में कोई भी दो लाइन पैरेलल हो, तो पैरेलल लाइन कंडीशन अपने को पता है, 10th क्लास से जानते हैं, a1 / a2 इक्वल टू b1 / b2 नॉट इक्वल टू c1 / c2। तो नॉट इक्वल टू वाला केस तो ऑलरेडी दिख ही रहा है अपने, वो c1 c2 देखने की जरूरत नहीं है। स्लोप्स इनके इन दोनों को पैरेलल करोगे तो क्या बनेगा, 2/α इज इक्वल टू 3/-1। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई अपने पास, -2/3, एक वैल्यू ये आ गई। इन दोनों को पैरेलल करोगे तो क्या आएगा, 2α/3 इज इक्वल टू -1/4। सो अल्फा की वैल्यू एक यहाँ से क्या आ गई, -3/4। तो ये तीन वैल्यूज नजर आ रही है आपको, -2/3, -3/4 एंड -16/25। क्या क्या अपन ने ट्राइंगल बनाने के लिए कॉन्करेंसी ले रही है, कोई भी दो लाइन पैरेलल, और 1 और 3 तुम डायरेक्ट देख पा रहे हो पैरेलल नहीं होंगी। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, दो ही केस लेने थे पैरेलल होने के। इजी। अब देखो एक अच्छा सवाल है, देखना किस तरह डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन को काम में ले रहे हैं, ज्योमेट्री में कैसे इसका रेफरेंस बनाते हैं। कह रहे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड x2 - x3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एंड x3 - x1 होल स्क्वायर y3 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऑल्सो अपने गिवन है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है दैट 4 टाइम्स x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस सारे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। प्रूव करना आपको कि डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके बराबर रहेगी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी एंड a+c - b। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए अपने को पैटर्न वाइज, इस तरह डिटरमिनेंट इस तरह की एक्सप्रेशन अपने को कहाँ देखने की मिलती है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला जैसी चीज़ है। ठीक है, सो मोर लेस मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब x1 y1 x2 y2 के बीच की डिस्टेंस, x2 y2 x3 y3 के बीच की, x3 y3 x1 y1। और इस तरह डिटरमिनेंट मैंने देखा एरिया में, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये बात आराम से कंक्लूड की जा सकती है कि सवाल में इनडायरेक्टली मेरे से किसके बारे में बात की जा रही है। एक ट्राइंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 एंड b x2 y2 एंड c x3 y3, और ये मेरा x1 x2, ये साइड ए दे रखा है, x2 x3 ये साइड बी दे रखा है, ये साइड सी दे रखा है, और ये किसके बारे में बात कर रहा है, ट्राइंगल के एरिया के बारे में। और इस तरह के एक्सप्रेशन भी फेमिलियर है, ह्यूरोन फॉर्मूला। दो तीन चीजें बता देता हूँ, ह्यूरोन फॉर्मूला क्या था अपने पास, अंडर रूट s·(s−a) s−b s−c, जहां पे s की वैल्यू क्या होती है, सेमी पैरामीटर। ओके, ये ह्यूरोन फॉर्मूला था। तो इसका मतलब इस सवाल के अंदर अपने क्या करना है, एरिया निकाल के इक्वेट करना है। एक एरिया का तरीका क्या है अपना, डेल्टा का डिटरमिनेंट से लिखते हैं अपन x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, एक इससे लिखते हो, दोनों को इक्वेट कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, क्या चीज दिखाई देगी मेरे को, स्क्वायर करने के बाद ये x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। कुछ नहीं करना था आपको, आइडेंटिफाई कर देना कि एक साइड से रोल फॉर्मूला से लिखना है, एक उससे लिखना है। मतलब ये जो तीन चीजें दी हुई ना इक्वेशन, इनका कोई यूज नहीं है, सिर्फ ये बताने के कि ट्राइंगल की साइड से ये जिसके कोऑर्डिनेट्स जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है उस तरह से। एस की वैल्यू चुपका दिया आपने, क्या a+b+c / 2। ओके, s−a a+b+c / 2 -a a+b+c / 2 -b एंड सिमिलरली
प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस सी। तो एक्सप्रेशन बन रही है मेरे पास, इस पूरी चीज का मेरे को करना है स्क्वायर, तो अंडर रूट कट ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया, 1/4 ये डिटरमिनेंट का स्क्वायर, अंडर रूट कट चुका है। सो ए प्लस बी प्लस सी, एलसीएम ले लो, क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस सी माइनस ए, पीछे ए प्लस सी माइनस बी, और ये वाला ए प्लस बी माइनस सी अपॉन टू टू टू, कितना हो गया मेरे पास टोटल मिला के, डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू डिवाइडेड बाई टू, तो ये काट दूंगा चार, ये चार इंटू चला जाएगा, तो जो एक्सप्रेशन मेरे को प्रूव करनी थी वो हो चुकी है। तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, पर डिटरमिनेंट की सीधी सीधी एप्लीकेशन थी, और कुछ ऑपरेट वगैरह नहीं करना। तो इसी के साथ हमने पूरा डिटरमिनेंट देख लिया मोरलेस इस पूरे लेक्चर में, तो फटाफट इसके सवाल लगा लो, एक तरह का वन शॉट वीडियो हो गया आपके लिए डिटरमिनेंट के लिए, तो जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं एक लेक्चर पूरा कवर कर सकते हैं। ओके।